So, hello everyone. A very good morning to all of you. I'll request you all to keep yourself in mute mode during the session. And whatever queries you have, you can see there is a raise hand button in the bottom right of your screen. So you can use the raise hand feature if you have any more questions to ask. I'll request all of you to switch on your cameras and put yourself in mute mode. We'll be starting the session in just 1 or 2 minutes more. It would be great if you all can switch on your cameras and put yourself in mute mode. The session will be a bit interactive, so it will be really great if we can see each other. मेरी वॉइस आ रही है सबको? प्लीज कमेंट येस और नो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, क्योंकि किसी ने भी अपना कैमरा नहीं ऑन किया है, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि किसी को मेरा वॉइस भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. यू ऑल कैन यूज द चैट बॉक्स फॉर टॉकिंग. यस. ओके. कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को कैमरा नहीं ऑन करना है तो ओके. तो आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? लाइक ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट? सो इट वुड बी बेटर इफ यू पिन, अगर आप लोग मेरे को पिन कर लोगे, क्योंकि क्या है कि आप लोग को पिन करने से लाइक मैं पूरा अच्छे तरीके से दिखूंगा, ठीक है? ओके. मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है ना? जो जो एक्चुअल टाइम्स लिखा हुआ है वो वाला स्क्रीन तो सबको विजिबल है ना? यस ओके. ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअल साइंस के बारे में. एंड लाइक आप लोग सबने कहीं ना कहीं से इसके बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा होगा, और यू मस्ट हैव वॉच्ड सम वेबिनार्स और सम इंफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब और द इंटरनेट, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट द एक्चुअल टाइम्स. लाइक इसमें हम लोग आपको सारी चीजें बताएंगे जो भी रिक्वायर्ड है आपको इस कोर्स को चूज करने के लिए. सो वी विल मूव वन बाय वन. ओके. सो टू स्टार्ट द सेशन विथ, कैन आई नो कि अभी आप लोग कर क्या रहे हो? लाइक जस्ट गिव मी इन द चैट बॉक्स की व्हाट आर यू आर डूइंग राइट नाउ. सर आई एम इन क्लास 12 और आई एम इन फर्स्ट ईयर फ्रॉम दिस कॉलेज. तो आप लोग थोड़ा बहुत अपने बारे में मेरे को अगर चैट बॉक्स में बता पाओगे, देन वी कैन स्टार्ट इट द सेशन. श्योर, नो प्रॉब्लम. अब्रॉस वील बी यूजिंग लिटिल बिट हिंदी वर्ड्स एज वेल, सो you need to manage little bit. Okay, so two students have said that they are in class 12th. One is pursuing CA, one is in 12th class. Okay, appearing 12th. Few we are giving boards. Okay. ओके, सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. ओके, प्लीज कम ऑन आप लोग. आप इफ यू ऑल डोंट टॉक देन द सेशन विल बी रियली बोरिंग. ओके, सो एटलीस्ट यू ऑल शुड टेल मी दैट यस सर आई एम डूइंग दिस राइट नाउ, आई एम डूइंग दिस राइट नाउ. सो इट विल बी रियली ग्रेट. ओके. ओके, सो आई हैव गॉट लाइक अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट द स्टूडेंट्स आर डूइंग हियर. ओके, सो व्हेन आई वाज इन क्लास 12 दिस वाज माय हैबिट. लाइक कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, सो इन दिस स्क्रीन व्हाट आर वी लाइक सीइंग इज बहुत सारे लोग हैं जो लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एंड उनको पता नहीं है कि वो लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? सो
फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर चूजिंग एनी कोर्स लाइक इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड आइडिया अबाउट द कोर्स व्हाट आर द प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ द कोर्स. सो माय फर्स्ट एडवाइस टू ऑल विल बी कोई भी कोर्स को ऐसे मत करना कि हाँ भाई मेरा वो बगल वाला फ्रेंड कर रहा है या फिर मेरे बिल्डिंग में कोई एक भैया रहते हैं तो वो अलग कोर्स कर रहे तो मैं भी करूंगा. या फिर फॉर एग्जाम्पल समवन हैज डन रियली वेल इन अ पर्टिकुलर कोर्स. फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग समवन हु इज अ वेरी बिग एक्चुअरी और लाइक उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्सेल किया कोई एक पर्टिकुलर सीए या फिर एमबीए में. तो आपको अपने नीड्स के हिसाब से कोर्स को चूज करना पड़ेगा. ओके सो किसी को भी देख के या फिर किसी ने फॉर एग्जाम्पल आप देखो सीए में क्या होता है द पासिंग रेट इज क्वाइट लो बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ओके क्योंकि मैंने सीए भी किया है तो इन सीए द पासिंग रेट्स आर क्वाइट लो. लाइक सीए फाइनल्स द पासिंग रेट इज समवॉट अराउंड 10%. ओके सो अगर आप दो टाइप के लोगों से एडवाइस लोगे एक जिन्होंने सीए क्लियर कर लिया है और एक जिन्होंने क्लियर नहीं कर पाए तो दोनों आपको बहुत अलग अलग टाइप का एडवाइस देंगे. फॉर एग्जाम्पल जिनका सीए हो गया दे वर्किंग इन अ बिग बिग एमएनसी तो वो लोग आपको एडवाइस क्या देंगे इट्स अ वेरी गुड कोर्स प्लीज तुम करना इसको बिकॉज इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है. लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जो सीए क्लियर नहीं कर पाया है वो अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स दिए जा रहे थे वो आपको क्या बोलेगा मत करना रे जिंदगी बर्बाद हो जाता है एकदम ये वाला कोर्स करने से क्योंकि इतना बार अटेम्प्ट दे दिया अपना आगे का कुछ पता चल पा रहा है ना पीछे का क्या क्या वो समझ में आ रहा है. सो आप पहला बात तो ये देखो कि आप कैसे टाइप के लोगों से एडवाइस ले रहे हो एंड कोई भी चीज को बिना देखे फॉलो मत करना. हैविंग अ गुड रिसर्च ऑन द कोर्स तभी आज हम लोग सब यहाँ पर मिलकर बैठ के बात करने आए राइट. ओके सो इन इंडिया हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर लाइक एक आपके स्क्रीन पे है कितना में लाइक सबका अपना अपना होता है लाइक 500 में भी 100 1000 में भी 2000 डिपेंडिंग ऑन कि उस बाबा पे लोग कितना क्रेडिबिलिटी दिखाते हैं. ओके एंड एक है जो हमारे जैसे लोग कर सकते हैं हमारा काम इनके जैसा नहीं होता है बट हम लोग का मेन टास्क क्या होता है वी प्रेडिक्ट द फाइनेंशियल फ्यूचर. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंसान कितने साल जिएगा या फिर वो कब मरेगा उसमें प्रोबेबिलिटीज का रोल है एंड इस टाइप के एस्टिमेशन का काम हम लोग कर सकते हैं. थिंक अबाउट अ इंश्योरेंस कंपनी लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल लाइक थिंक अबाउट ये एड आप लोग सबने देखा कैन यू ऑल नेम दिस एड इन द कमेंट बॉक्स लाइक ये एड कौन सा लाइक कंपनी करता है प्लीज कैन यू यूज द चैट बॉक्स एंड टेल मी व्हाट इज दिस एड ऑल अबाउट लाइक विच कंपनी यूजेस दिस एड प्लीज यस पैसा बाजार पॉलिसी बाजार यस दैट्स करेक्ट. सो व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ पॉलिसी बाजार दे आर प्रमोटिंग इंश्योरेंस इन इंडिया बिकॉज द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस व्हाट डू यू मीन बाय पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस. आज के दिन पे अगर आप 10 लोगों से पूछते हो तो उसमें बहुत कम लोगों ने अपना एक टर्म इंश्योरेंस या फिर अपना लाइफ इंश्योरेंस मतलब अपने लाइफ को इंश्योर करके रखा है बिकॉज इंडिया में इंश्योरेंस को लेके जो अवेयरनेस था वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है. अगर आप पूछोगे ना कोई एक बूढ़ा आदमी से तो उनमें से बहुत लोग आपको यही बोलेंगे यार मेरा तो इंश्योरेंस नहीं है. ओके बट इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका बहुत ही एक डेवलप मार्केट अब्रॉड में ऑलरेडी है. ओके सो यहां पर आपको मैं कोटेशन दिखाता हूं. कोटेशन देखो इन्होंने क्या कोट किया है 1 करोड़ टर्म इंश्योरेंस जस्ट 680 रुपीज पर मंथ. सो इफ यू डू 680 पर मंथ देन इट कम्स टू अराउंड 8000 रुपीज पर एनम. सो व्हाट इज द कोटेशन सेइंग इज फॉर एग्जांपल I am going to pay to the insurance company for the next 50 years. For the next 50 years, 7,000 or 8,000 or somewhat 9,000 rupees every year. And in case agar main mar jata hoon, like for example, the term is of 50 years. To aane wale 50 saal ke andar main jabhi bhi marunga, to insurance company mere ko 1 crore rupaye dega. So this is the quotation that they put. To kitna aapko ek bar dekh ke lagta hai na yaar, wah, main to bas khali, maan lete ki agar main 50 saal pura ji leta hoon. लेट्स जस्ट थिंक कि मैं पूरा 50 ईयर्स जी लेता हूं ठीक है तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कितना रुपए पे किया एट मैक्स मैं आपको बताता हूं 10,000 रुपीज करके 50 ईयर्स सो इट्स 5 लाख रुपीज. ओके बट इनके सोचो अगर मैं आज से 30 साल के बाद में या फिर मैं 25 साल के बाद में अगर मैं मर जाता तो इंश्योरेंस कंपनी को मेरे को कितना रुपए देना पड़ता 1 करोड़. तो आप लोग देख रहे हो कि आप लोग का दिमाग काम कर रहा है कि यार इतना डबल या फिर डबल नहीं हो रहा 20 times वो लोग कैसे दे पा रहे हैं. दैट इज ऑल थ्रू प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर दैट इज ऑल थ्रू प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबिलिटीज दैट इज ऑल थ्रू एस्टिमेटिंग द क्लेम्स. फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान इंश्योरेंस नहीं कराता है बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराते हैं क्या सारे के सारे मर जाते हैं नहीं. अभी जैसे एग्जाम्पल हो अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है तो
कोविड के टाइम में आप लोग देखे होंगे इंश्योरेंस कंपनीज का जो शेयर प्राइस है वो पहले से बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ऑल द पीपल आर स्केर्ड कि मेरे को पता नहीं कब क्या हो जाए, मेरे को पता नहीं कब क्या हो जाए. ओके तो इसलिए दे ऑल आर बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस और अ गुड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. ट्रू, इज एवरीवन एबल टू रिलेट कि क्या हो रहा है? आप लोग कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का शेयर प्राइस देखोगे तो इस पैंडेमिक में सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी के शेयर प्राइस एकदम बूस्टअप हो गए, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट देयर ऑल टाइम हाईज. द मेन रीजन इज कि लोगों में पैनिक का माहौल आ गया है, सब लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स करा रहे हैं, अपने लाइफ को इंश्योर करा रहे हैं. ठीक है, ओके. सो आप लोग अगर सोचो, इफ वी आर लाइक पेइंग 10,000 रुपीज एवरी ईयर, ओके, वी आर पेइंग 10,000 रुपीज एवरी ईयर, एंड इफ वी डाई लेट्स से सपोज इन द फिफ्थ ईयर और इन द लाइक 10th ईयर, ओके, सो द इंश्योरेंस कंपनी इज पेइंग मी 1 करोड़, बिकॉज मेरे जैसे बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस कराया है. इट इज डाइवर्सिफाइड. डाइवर्सिफाइड मतलब बहुत सारे लोगों ने 10,000 रुपीज करके पे किया है. और क्या सारे मर जाएंगे? क्या नहीं, सारे नहीं मरते, एक पर्टिकुलर परसेंटेज मरता है. प्लस मैंने पैसा तो धीरे धीरे करके दिया, लाइक मैंने एवरी ईयर दिया है, हो सकता है मैं 30 साल बाद मरूं तो मेरा पैसा भी तो ग्रो होगा ना. आप लोग सबने सुना होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. ओके, so I am paying at regular intervals. So the insurance company is not spending all the money that I am paying to the insurance company. It is keeping some money set aside to meet the future liability. And what is insurance company's future liability? जो वो मेरे को पैसा देगा इन केस अगर मैं मर जाता हूं तो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अगर आप लोग देखो तो हमारे जैसे लोग और कहां कहां पर एम्प्लॉयड है. व्हेनेवर यू गो टू अ शॉपिंग मॉल, ओके, you see there is a particular sequence in which all the items are placed. True? Like how many of you have felt that there is always a small queue at the billing counter? Please raise your hand. You can use the raise hand feature. Please, yes. How many of you have seen that always there is a small queue? Whether the shopping mall is empty or is it busy, like there is always a small queue, okay? And there are some items placed on your right and there are some items placed on your left. Okay, so what does this mean? This means that when you are waiting in the line to get yourself billed, मतलब जब आप अपना बिलिंग करा रहे हो तो उस समय आप अगर अपने लेफ्ट और राइट देखते हो तो वो लोग बहुत छोटा छोटा आइटम जैसे चॉकलेट्स हो गए वो सब वो लोग साइड में रखते हैं. तो उसके पीछे भी डेटा काम कर रहा है और वहां पर हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं कि भाई अगर मैं ये आइटम को यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो मेरा सेल्स क्या मैक्सिमाइज होगा, क्या मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा. आप कभी भी गूगल में, अभी आप लोग अपना फोन निकाल के सर्च कर लो, आप कभी भी अगर गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये सर्च किया है कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल कैलकाटा में एक बहुत ही फेमस मॉल है साउथ सिटी मॉल, मेरे को मान लो साउथ सिटी मॉल जाना है, या फिर मेरे को दिल्ली में कोई बड़ा मॉल जाना है, या फिर मुंबई में मेरे को पलेडियम जाना है. तो आप जब सर्च करते हो तो वहां पर दिखाता है पीपल ऑन एवरेज स्पेंड इतना आवर्स हेयर. एम आई स्पीकिंग करेक्ट? पीपल ऑन एवरेज स्पेंड इतना आवर्स हेयर. तो ये भी एक टाइप का डेटा है कि आप जितना ज्यादा टाइम मॉल में स्पेंड करोगे आप उतने प्रोबेबल हो कि आप कोई सामान वहां से खरीदोगे या फिर आप ज्यादा सामान खरीदोगे. ओके, सो ऑल दिस एनालिटिक्स आर वर्किंग. फॉर एग्जांपल एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको. जैसे आप लोग आ जाओ, ये वाला किन्होंने देखा है? लाइक हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड सीक्रेट गेम्स? प्लीज रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड सीक्रेट गेम्स? आर यू ऑल हैविंग प्रॉब्लम इन स्विचिंग ऑन द कैमरास? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट ओके. तो देखो सीक्रेट गेम्स में आप लोग सबको, जो लोग ने नहीं देखा मैं आप लोग को एक छोटा सा चीज समझाता हूँ. मान लो कोई भी एक सुपरहिट मूवी है, ठीक है, मान लो कोई भी एक सुपरहिट मूवी है, पहले तो उतना एनालिटिक्स काम नहीं करता था लेकिन आज के दिन पे बहुत काम करता है. मान लो एक एक जो मूवी है या फिर एक सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल मनी हाइस्ट, तो ये सब जो सीरीज बनते हैं ये सब कैसे बनते हैं? ये सब कोई रैंडम नहीं होता कि भाई हाँ तू भी आ जा तू भी आ जा, अपने ऐसा क्राइम सीन करते हैं, ऐसे नहीं होता है. सबसे पहले बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है, वो डेटा को कलेक्ट करके हम लोग लोगों का प्रेफरेंसेस जानते हैं कि वो लोग क्या सर्च करते हैं, वो लोग को देखना क्या पसंद है, वो लोग कौन से जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट या तो वो लोग कौन से हीरो का मूवी देखना पसंद करते हैं, या फिर विच हीरोइन डू दे लाइक, या फिर विच डायरेक्टर मूवीज आर ऑलवेज अप्रेज्ड, विच जॉनर, फॉर एग्जाम्पल कॉमेडी हो गया, या फिर आपका एक्शन हो गया, या फिर आपका क्राइम हो गया, सस्पेंस हो गया. ओके, तो पहले बहुत ही सारा टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा कलेक्ट हुआ. जैसे आप देखो मुंबई माफिया, ठीक है, मुंबई माफिया मिलता है सैफ अली खान, राधिका आप्टे हु इज द क्वीन ऑफ नेटफ्लिक्स, एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एंड ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर एंड दे मेड द शो
Sacred Games, which is a super duper hit. And the same goes for almost all the shows that Netflix is making in-house. That is all through data analytics and jahan par humare jaise log kaam kar rahe hain. Okay. Next field where we are employed is in the pensions. What is pension? Let me explain you in very simple terms. For example, I joined Reliance Industries. Okay. My salary is 1 lakh rupees per month. What my employer means Reliance Industries is saying to me, मान लो मैंने 25 years के age में company join किया, मेरा retirement age is 65. So for the next 40 years, I am working for the Reliance Industries, let's assume it. And मेरा salary जो है, company क्या बोलता है कि 65 के बाद तो working नहीं रहोगे, तब आप retire कर जाओगे, लेकिन आपको पैसे तो चाहिए होंगे, आपको अपना livelihood तो maintain करना ही पड़ेगा. तो उसके लिए अपने को क्या करना है, आप जब कमा रहे हो, उस period में आप अपने salary का 5% दीजिए, मैं भी आपके सैलरी का 5% दूंगा, दोनों को इकट्ठा करके एक फंड में डालते हैं, ताकि जब आप रिटायर कर जाओ, when you retire, you will have a lot of money with which you can like spend your life with ease. So that is pension. Okay, you know, you must have heard your dadaji or maybe those who are older than 60 or 65. I am living on pension. I am getting my regular pension of maybe 25,000 rupees per month or 30,000 rupees per month. So what is that pension? पेंशन मीन्स जब उन्होंने बहुत वर्क किया अपने पूरे लाइफ में, तो वो जो वर्क करते हैं, ठीक है, तो उस समय उन्होंने जो रुपया कमाया उसका एक सर्टेन परसेंटेज उन्होंने एक फंड में डाला अलग से, एंड उनके एम्प्लॉयर ने भी डाला. ओके, इसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का फीचर्स हो सकता है, बट मैं आपको एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है. तो पेंशन वैल्यूएशन में भी हमारे जैसे लोग काम करते हैं. ओके, सो द लास्ट थ्री, दिस इज स्टॉक मार्केट. आई कैन प्रेडिक्ट हाउ स्टॉक विल परफॉर्म इन द next 5 years or in the next 10 years. Okay. Let's come to this. It's very interesting. Like, aaj ke din pe agar aap dekhoge na, like, bahut sara like post and all aata hai. Abhi to aap log like, the major crowd I feel here is of class 12. So let me make you understand a little bit. For example, aapko ek iPhone lena hai. Theek hai? Mera salary hai 50,000 rupees per month and mere ko 50,000 rupees ka hi ek phone lena hai. So, just think, kya mere liye possible ho paega? I assume आप लोग सब सुन रहे हो मेरे को, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स को यूज करिए. ओके, सो जस्ट लेट मी नो, मेरे को आपका थॉट प्रोसेस जानना है कि अगर मैं 50,000 रुपीज कमाता हूं तो क्या मेरे लिए 50,000 रुपीज का फोन लेना पॉसिबल है? द आंसर इज नो. ठीक है, लेकिन विद द इंक्रीज इन लोन्स कंज्यूमर स्पेंडिंग हैज इंक्रीज. मतलब आज के दिन पे आप सिर्फ 2,000 रुपए एक महीना में दोगे ना तो भी आपके जेब में आईफोन आ सकता है. एम आई स्पीकिंग करेक्ट? आप सिर्फ 2,000 रुपए करके दीजिए, आपको 3 साल का ईएमआई बना के देंगे वो लोग. ईएमआई का मतलब क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. तो 3 साल का आपको एक तीन साल का आपको जो ईएमआई है आप वो धीरे धीरे करके पे कर सकते हो. अब आपके लिए पॉसिबल है. आप एक आईफोन भी ले सकते हो, आप एक आईपैड भी ले सकते हो, आप मैकबुक भी ले सकते हो. So this is the difference with loans, okay? And loans का जो सारा functioning होता है, जो सारा structuring होता है, उन सब के पीछे का जो आदमी होता है, that is an actuary, okay? ये वाला. So this incident happened a few years back in Kolkata. Like Didi wanted to make Calcutta London and London bridges fell down, okay? So the point here is, for example, ये bridge गिरा, ठीक है? So, अगर मान लो कि ये ब्रिज गिरता है तो व्हाट वी डू इज, मेरे को ये नहीं करना है कि कितने लोग मरे हैं या फिर वो ठीक कैसे होंगे, मेरा वैसा टाइप का नहीं है. वी आर इनटू कैटास्ट्रोफी मॉडलिंग. फॉर एग्जांपल बाढ़ आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, जैसे ये पैंडेमिक चल रहा है, तो बोलने का मतलब क्या, इसका फाइनेंशियल्स पे क्या इंपैक्ट आएगा? अगर मान लो कोई एक ब्रिज गिरता है तो उससे क्या फाइनेंशियल लॉस होगा, वो सब को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसका एक अलग पूरा डिवीजन बन रहा है, दैट इज नोन एज कैटास्ट्रोफी मॉडलिंग. ओके, यस. नेक्स्ट इज बॉन्ड रेटिंग. फॉर एग्जांपल, गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स. लेट्स से सपोज देर आर टू कंपनीज, जहां से जो कंपनीज अभी पैसा मांग रही है मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी पैसा मांग रहा है, अनिल अंबानी पैसा मांग रहा है, आप लोग पैसा किसको दोगे एज अ लोन? जस्ट यूज द चैट बॉक्स. मुकेश अंबानी पैसा मांग रहा है एंड अनिल अंबानी पैसा मांग रहा है. मुकेश. ओके, अब मैं क्वेश्चन को हल्का चेंज कर देता हूं.
मुकेश अंबानी पैसा मांग रहा है 8% में, अनिल अंबानी पैसा मांग रहा है 40% में। मतलब अनिल जी बोल रहे हैं कि आप मेरे को पैसा दो, मैं आपको 40% इंटरेस्ट दूंगा, एंड मुकेश जी बोल रहे हैं कि आप मेरे को पैसा दो, मैं आपको 8% इंटरेस्ट देंगे। अब बताइए आप लोग किसको पैसा दोगे? यू यूज द चैट बॉक्स। अनिल अंबानी, मुकेश बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, मुकेश, अनिल। मैं आप लोग को बताता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट में, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट में। मान लो आपके पास दोनों कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स है, ठीक है, कंपनी का पूरा फंडामेंटल जो स्टडी है वो आपके हाथ में है, आपने पूरा कंपनी को पढ़ा, ठीक है, ये जो मूडीज है, फिच है, S&P है, ये सब सब रेटिंग एजेंसीज है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी के बॉन्ड को रेटिंग देते हैं। कंपनी के बॉन्ड को ऐसे रेटिंग नहीं दिया जाता है, कंपनी का पूरा हिस्ट्री चेक किया जाता है कि भाई ये कंपनी ने पास्ट में पैसा लिया तो क्या चुकाया है, क्या ये कंपनी का औकात है चुकाने का, क्या ये कंपनी अच्छे से पैसा चुका सकता है, ठीक है। अगर कंपनी बंद हो गया तो क्या जो पैसा दे रहा है उसको पैसा वापस मिलेगा लिक्विडेशन पे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो देख के कंपनी को रेटिंग मिलता है। कंपनी का रेटिंग जितना ऊपर होगा कंपनी उतना सिक्योर माना जाता है एंड उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रिस्की इन्वेस्टर हूं, मेरे को रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने में मजा आता है, तो मैं क्या करूंगा, हो सकता है मैं अनिल अंबानी को भी पैसा दे दूं बिकॉज अनिल अंबानी मेरे को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो अपना पेमेंट में डिफॉल्ट करेगा? अनिल अंबानी का। क्लियर? तो ये आपके रिस्क एपेटाइट में डिपेंड करता है। जैसे देखो, AAA इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे कंट्रीज के तो गवर्नमेंट्स को भी AAA का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत सारे कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट, जैसे मान लो इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट AAA, ओके, इस तरीके से इनको रेटिंग मिलता है। नेक्स्ट, आप और कहां देख सकते हो जो जहां पर हमारे जैसे, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन पे, जैसे अभी तो उतना नहीं हो रहा है क्योंकि अभी फ्लाइट्स भी बंद है एंड एवरीथिंग बंद है। तो एक छोटा सा बात समझना, अगर मान लो आप लोग पहले जब मूवी टिकट बुक करते थे थ्रू पेटीएम, या फिर आप कोई फ्लाइट का टिकट बुक करते थे थ्रू पेटीएम, तो आपको नीचे में हल्का सा एक आइकन आता था, उसमें वो लोग ये बोलते थे कि यार अगर आपको इंश्योरेंस कराना है अपने मूवी टिकट का या फिर अपने फ्लाइट टिकट का, तो आपको उसका 10% या फिर एक सर्टेन अमाउंट दे यूज टू कोट, एंड अगर आप 1 घंटा पहले या फिर 2 घंटा पहले भी कैंसिलेशन कराओगे तो हम लोग आपको आपका पैसा पूरा रिफंड देंगे। कितने लोगों को इसके बारे में पता था? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों को इसके बारे में पता था? यस, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंश्योरेंस बाय पूलिंग। चीज समझना, पूलिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक मूवी स्क्रीन में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों ने वो इंश्योरेंस कराया, मान लेते 50 रुपीज करके, तो 100 × 50 इज व्हाट, 5000। मान लेते 10% इज द कैंसिलेशन रेट, तो 10 लोग अपना टिकट कैंसिल कराएंगे, अगर 10 लोग अपना टिकट कैंसिल कराएंगे तो पेटीएम वो लोग को अपना रुपया दे देगा वापस। तो इस तरीके से क्या होता है, मैं टेंशन फ्री हो गया। मान लो आखिरी मोमेंट में आया, मैं बस मूवी के लिए निकल ही रहा था, मेरी मम्मी ने मेरे को बोल दिया आज तू घर से बाहर निकलना तो देख लेना, तो उस केस में क्या होगा, पैसा तो वापस चाहिए ना। अब ये क्या होता है, दो टाइप का चीज होता है। एक होता है कि आप बहुत डिटरमाइंड हो, नहीं भाई तो मूवी जाऊंगा ही, ठीक है, तो मैंने क्या किया, खुला छोड़ दिया इस चीज को। खुला छोड़ दिया मतलब मेरे को इंश्योरेंस नहीं चाहिए। वैसे इंसान अपने जीवन के संग भी करता है। मान लो मैं बहुत अच्छा लाइफ में अर्न कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा लाइफ में अर्न कर रहा हूं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है मेरे को इंश्योरेंस नहीं चाहिए। क्योंकि आप अगर देखोगे ना, वैसे नहीं बोल रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो मेरे को मेरे पैसे पे रिटर्न देगा, उससे अच्छा है कि मैं वो पैसा इक्विटी में लगा दूं या फिर मैं अपने बिजनेस में लगा दूं। ऐसा बहुत लोगों का थिंकिंग होता है। दैट डीप अंडरस्टैंडिंग विल गो व्हेन वी कम टू द करिकुलम, बट जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू। ओके, यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज कंपाउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन पे आप लोग सबके पास में एक स्मार्टफोन होगा, बट ट्रस्ट मी, मेरे को फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन कब मिला था, जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में गया था, ठीक है। सो लेट्स सपोज आप लोग को पेरेंट्स से पैसा मिलता है, आप लोग एक आईफोन खरीद लो विच इज वर्थ 60,000। आप क्या करते हो, आप आईफोन नहीं खरीद के आप वन प्लस नॉट खरीदते हो जो कि 30,000 का आता है। यू सेव 30,000 देयर, एंड फॉर एग्जाम्पल आपको कॉफी पीना बहुत पसंद है या फिर आपका आउटिंग करना बहुत पसंद है। एक बार मान लो आप कहीं पर भी आउटिंग करने जाते हो तो आपका लाइक 600-700 हजार रुपये तो खर्चा हो ही जाता है। आप महीने का 2 आउटिंग कम करो एंड आप एक बार फोन हल्का कम सस्ता, मतलब हल्का सा सस्ता ले लो, ठीक है, एंड आपका एक 30,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है एंड 1500 पर मंथ इज द अमाउंट दैट यू आर लाइक इन्वेस्टिंग। ओके, 1500 पर मंथ इज द अमाउंट दैट यू आर इन्वेस्टिंग एवरी मंथ फॉर कंसिस्टेंटली फॉर 40 years, एंड इफ यू इन्वेस्ट दीज इन द इंडियन मार्केट्स, लाइक इंडियन मार्केट्स ने भी अप्रोक्सीमेटली 15% 14% के आसपास का रिटर्न दिया है ओवर लॉन्ग टर्म, ठीक है।
तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास में इतना रुपया होगा, ठीक है। सो दैट इज वॉट फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, मैंने पैसा बहुत कमाया लाइफ में लेकिन मेरे पास आज के दिन पे कोई रुपया नहीं है। तो आप जब तक अपना वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक आपका कमाया हुआ रुपया किसी काम का नहीं। आप बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हो तो फिर कोई मतलब नहीं उस कमाई का, ठीक है। सो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने का ट्राई किया कि जहां जहां पर हमारे जैसे लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। आप जब बैंक में जाते हो तो आप देखते हो बैंक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्लोट होते हैं। वो बोलते हैं सर देखिए आप अगर इस रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, आप अगर फिक्स डिपॉजिट 5 साल से ज्यादा के लिए करते हो, तो ये जो पूरा फाइनेंस का वर्ल्ड है इसके पीछे का जो पूरा मैथमेटिक्स कैप्चर्ड है ना, वो इस कोर्स में कैप्चर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आप लोग सब 12th में हो, आप लोग जब अपने एग्जाम दोगे या फिर बहुत लोग अभी कॉलेज में, ठीक है। एक छोटा सा बात मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अभी इंटीग्रेशन कर रहे हो, थीटा एंड ट्रिग्नोमेट्री सबका इंटीग्रेशन आप लोग कर रहे हो, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है इंटीग्रेशन कैन बी यूज, मैं सारे के सारे क्वेरीज लूंगा बट जस्ट आफ्टर द सेशन, ओके। वील कॉल ऑन बोर्ड मेघना अग्रवाल, हु इज लाइक हु हैज गिवन अ लास्ट एग्जाम ऑफ एक्चुअरियल साइंस, लाइक शी हैज गिवन अ 15th पेपर। सो वील कॉल एंड वील हैव ऑल द डाउट्स डिस्कशन अलॉन्ग विथ हर, ओके। सो यस, आप लोग कभी सोचे हो कि इंटीग्रेशन यूज हो सकता है इंसान का जीने या फिर मरने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, या फिर इंटीग्रेशन यूज हो सकता है पैसा को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा का डिस्काउंटिंग करने के लिए। सो ऑल द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन आर कैप्चर्ड हियर। इस कोर्स में कोई भी टाइप का ना ट्रिग्नोमेट्री नॉल नहीं है कि भाई आपको बहुत डिफिकल्ट ट्रिग्नोमेट्री दे देगा, वैसा कुछ नहीं है। ऑल रियल लाइफ मैथ्स आर बेस्ड इन दिस कोर्स, ओके। नाउ आफ्टर लिसनिंग टू सो मच, हु इज एन एक्चुअरी? सो बेसिकली ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ये तो गूगल से लिखा है, बट मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में समझाऊं तो वी डील विथ रिस्क। जहां जहां पर पैसा और पैसे के साथ में रिस्क है वहां वहां पर हमारे जैसे लोग लाइक काम करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन दिस कोर्स? यू आर गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट्स, ओके। यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पेंशंस, ओके। सो ऑल दीज थिंग्स आर कैप्चर्ड इन दिस कोर्स। So areas of work we have discussed already. You can see at a glance, insurance industry है, risk management है, disaster management है, banking है, data analytics है, pension है, consultancy है, ठीक है? Now, is actuarial science for you? तो जैसे देखो मैंने फिर से एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला था ना, आपको फिर से वो चीज रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग कैसे टाइप के लोगों से एडवाइस ले रहे हो वो डिपेंड करता है। लाइक मैं जिनको अभी बुलाऊंगा या फिर मेरे बहुत जो स्टूडेंट का जो एलुमनाई है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोग लाइक थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, जैसे देखो आप कोई भी कोर्स करिए, फॉर एग्जांपल बहुत लोग आपको बोलेंगे भाई एमबीए कर, एमबीए में तो लाइफ है। तो डेफिनेटली एमबीए में लाइफ है, बट इफ यू डू इट फ्रॉम द टॉप 5 और टॉप 10, जस्ट थिंक 2.5 लाख लोग कैट देते हैं हर साल, उनमें से हाउ मच विल मेक टू द टॉप 10? 2500 लोग, तो 1% इज द सक्सेस रेशियो। ऐसा नहीं कि उसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपका अच्छा प्लेसमेंट नहीं लगेगा या फिर वैसा कुछ, बट मैं आपको बता रहा हूं अगर आप टॉप 10 से करते हो उसका बात ही कुछ और है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज सीए है तो लोग बोलते हैं यार सीए बनने का तो पैसा ही पैसा है, बट सीए बनना लाइक अगर आप देखते हो उसका पासिंग रिजल्ट, एंड लाइक आई जस्ट रिमेम्बर कि जो मेरा सीए फाइनल का जो डेज था लाइक 16 दिन लगातार एग्जाम था, एक दिन छोड़ के एक दिन, बट डेफिनेटली अ वेरी गुड कोर्स। बट उसका पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर आपको सीए में जाना है तो आपको लाइक टैक्सेशन, आपको ऑडिटिंग, आपको लॉ, ठीक है, आपको अकाउंट्स, आपको ऑडिट, तो ये सारी चीजें अगर आपको पढ़ने में अच्छी लगती हैं तो आप सीए में जाइए। सीए का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन उसमें ज्यादा करके आपका टैक्सेशन है, बिकॉज आप देखोगे सीए फाइनल में 200 नंबर का टैक्सेशन है, अकाउंट्स खाली 100 नंबर का है, ठीक है, ओके। सो यस, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंस। लाइक अगर आपको मैथ्स करने में बहुत अच्छा लगता है, लाइक अगर आपको लगता है कि यस यू कैन डू मैथमेटिक्स एक दिन में 6 घंटा 7 घंटा फॉर द नेक्स्ट 6 years, ओके। लाइक आज के दिन पे अगर कोई मेरे से पूछेगा व्हाट इज द एप टाइम टू कंप्लीट द कोर्स, आई विल से 5 to 6 years, बिकॉज पहले होता था कि लोग बहुत ज्यादा टाइम तक कोर्स को करते थे बिकॉज उस समय उतने रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन आज के दिन पे हमारे पास में सारे के सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है जो कि आपको हेल्प करेंगे टाइम बाउंड मैनर में प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। टाइम बाउंड मैनर मतलब आपने बहुत लोग को देखा होगा जिसका एज 30 है वो लोग भी एग्जाम्स दे रहे हैं, बहुत लोग जो लोग 35 के हैं, बहुत लोग 28 के, वो लोग भी एग्जाम्स दे रहे हैं, बट आज के दिन पे इतना रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी है एक्चुअरियल साइंस में कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस
नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कैन गो थ्रू विद फाइनेंस बैंकिंग। देखिए ये सब चीज ठीक है, बट द मेन थिंग दैट आई शुड से इज पेशेंस। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल वॉट यू ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स इज, मैंने 3 से 4 पेपर क्लियर कर लिए एंड मेरे को 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का सैलरी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको लाइक पहले 6 से 7 पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे अपने ग्रेजुएशन में, आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे जो आपका सॉफ्ट स्किल्स में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ तो रहे हो, आप पेपर में पढ़ रहे हो, पेन एंड पेपर में आप सम्स कर रहे हो, बट जैसे इस कोर्स में अभी कुछ कुछ एग्जाम्स है, जैसे CM1 CM2 है, CS1 CS2 है, उसमें आपका लाइक एक्सेल है और आर प्रोग्रामिंग है, तो आपको सॉफ्टवेयर भी सिखाए जाएंगे, बट उसके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल आप पाइथन सीख सकते हो, आप SQL सीख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये सब सारे थोड़े बहुत सॉफ्ट स्किल्स एक्वायर करते हो एंड आपने जो भी कुछ पढ़ा है आप उसको इंटरव्यू में रिप्रोड्यूस कर सकते हो। आपने फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाला पेपर पढ़ लिया, आपको ये इंटरव्यू में गए लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो लोग नहीं लेंगे। डेफिनेटली आज के दिन पे इंटरव्यू प्रोसेस चाहे कोई भी कोर्स करिए बहुत ज्यादा टफ हो गया है, बिकॉज ऑलमोस्ट 99.99% लोग अपने करियर को लेके फोकस्ड है। 12th का एग्जाम्स हुआ भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत लोग हैं जो लोग हम लोग को ज्वाइन किए हैं एंड कुछ गलत नहीं है, ठीक है। ओके सो यस, सो बेसिकली व्हाट आई विल से अबाउट दिस इज, मैथ्स जो लोग बोलते हैं ना मैथ्स है मैथ्स है मैथ्स है, ये मैथ्स नहीं है, ये आपका एक रियल, ये अलग ही मैथ्स है। मतलब जैसे 11th 12th में जो इंटीग्रेशन था आपका, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री था, वो सब यहाँ पर नहीं है, पूरे एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। आपको 11th 12th का क्या कॉन्सेप्ट यूज आएगा, एक तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, मैं जब आपको कोई कोई चीजें बोलूंगा आपको वो समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 80 लाने के, 80 से कम लाने वाले इस कोर्स को कर नहीं सकते हैं, बट एक्सपेक्टेड है कि आपका एवरेज में अगर मैथ्स का स्कोर 80-85 से प्लस रहता है तो अगर आप इस कोर्स को करोगे तो आपको अच्छा आप इस कोर्स के साथ जस्टिस कर पाओगे, वरना क्या होता है आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे, आपको और हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एंड 11th 12th में मैथ्स होना इज अ काइंड ऑफ अ कंपल्सरी थिंग दैट आई फील, क्योंकि लाइक अगर 11th 12th में मैथ्स नहीं होता है ना तो आपको थोड़ा बहुत देखिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्या है कि उसमें बहुत सारी ऐसी बेसिक्स हैं जो आपके 11th 12th में जाके क्लियर होती है। तो 11th 12th में मैथ्स होना इज अ कंपल्सरी थिंग फ्रॉम माई एंड, जो मेरे को लगता है कि हाँ भाई होना ही चाहिए। एंड अगर आपका 80-85 का स्कोर है फिर उससे ज्यादा है, ओके साहिल आई विल टेक ऑल द क्वेरीज बेटा, प्लीज थोड़ा मैं आपको सारे के सारे क्वेरीज दूंगा, ठीक है। साइंस से हो चाहे कॉमर्स से हो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, साइंस से हो चाहे कॉमर्स से मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्या रिक्वायर्ड है। अगर आपके 11th 12th में मैथ्स है एंड अगर आप अच्छा समझते हो अपने आपको कि हाँ भाई मेरा पकड़ बहुत बढ़िया है मैथ्स में, मेरे को करने में मजा आता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही डिफिकल्ट सा इंटीग्रेशन आ गया, बहुत लोग होते हैं बोले छोड़ ना यार ये तो डिफिकल्ट है सर, खाली कॉन्सेप्ट के लिए करा रहे हैं, हम लोग को तो एग्जाम में थोड़ी आएगा ये ऐसा, तो वो लोग छोड़ देते हैं। एक होता है नहीं यार मेरे को तो करना है इस चीज को, तो जो सेकंड टाइप का बच्चा है ना वो इस कोर्स में आ जाओ। व्हाट स्किल्स डू यू नीड टू पोजेस, हैव अ पैशन फॉर मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस, लाइक टू स्टडी समथिंग विच इज रियल लाइफ रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल डे 1 से ही जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो पूरा रियल लाइफ रिलेटेड होगा, आप लोग आसपास में देख पा रहे होंगे, लाइक इंटीग्रेशन अभी आप लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं आपको बोलूँ कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, हाँ भाई मैंने किसी को पैसा दिया 10% ब्याज में तो साल के एंड पे मेरे को ब्याज मिलेगा, ऐसा आप लोग चीज आसपास देख पाते हो, ठीक है। स्टडी रेगुलरली फॉर 3 to 4 आवर्स, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको 16-16 घंटा पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेटली जब आप कॉलेज में हो पढ़ोगे तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन डेली आपको 3 से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री या फिर आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला जो होता है 11th 12th में, तो वो आप पूरा पूरा दिन पढ़ते हो समझ में आ रहा है, लेकिन आपने क्या कभी मैथमेटिक्स भी पूरा पूरा दिन, वो आपको आपका टीचर क्या बोलता था आपको हर रोज करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट का बात आ रहा है, प्रैक्टिस का बात आ रहा है, फ्लो का बात आ रहा है, वो फ्लो आपको अपने अंदर में लेके आना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलरली उस चीज को प्रैक्टिस करोगे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। कोई दिन मान लो बिजी जा रहा है तो 1 घंटा भी किया ठीक है, लेकिन आपको वो चीज रेगुलरली करना पड़ेगा। मेमोरी स्किल्स वर्सेस कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, एक एक्चुअरियल टेबल्स का बुक आता है दैट इज अ 200-page बुक, जो कि ऑलरेडी आप लोग सबके पास में रहेगा आपके एग्जाम के टाइम में, तो मगअप ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लो CA में क्या होता है, मेरे को एक लॉ का किताब पूरा मिला था जो मेरे को 800 या फिर 900 पेज का था, जो भी CA कर रहा, मैं अपना नहीं बोल रहा, जो भी CA कर रहा आप लोग से पूछना कि भैया आपने लॉ ऑडिट कैसे पढ़ा था, तो वो लोग आपको समझाएंगे, बोलेंगे बेटा एक किताब आता है तो वो आपको किताब पूरा रट के एग्जाम में बैठना होता है, क्योंकि उसी किताब से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं आने वाला है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्चुअल स्किल्स टेस्ट होने वाला है, आपके पास में क्वेश्चन रहेगा, आपके पास में फॉर्मूला बुक रहेगा, आपको बस खाली उसको सॉल्व करना है। साउंड्स इजी राइट, इतना इजी भी नहीं है, तभी तो सोचिए ना
फॉर्मूला भी है, क्वेश्चन भी है, फिर भी स्वयं सॉल्व नहीं होता, तो यहां पर पूरा आपका दिमाग लगता है। व्हाट्स न्यू इन दिस कोर्स? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, पहले क्या होता था, खाली पेन एंड पेपर में ही होता था, बट अप्रैल 2019 से देयर इज अ चेंज इन द करिकुलम एंड कुछ कुछ पेपर्स है, जैसे सीएम के जो पेपर्स है उसमें मैं डिटेल में आऊंगा, उसमें एक्सेल है एंड जो सीएस के जो पेपर्स है उसमें आर प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और ये जो ओपन बुक एग्जाम लिखा है ना, ओपन बुक एग्जाम मतलब अभी तो पूरा ही ओपन बुक हो गया, बिकॉज अभी घर से होता है इसका एग्जाम, लाइक उसमें क्या करना पड़ता है, दे हैव टोल्ड दैट आप लोग अपना नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, वो नोट्स एंड ऑल का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो पूरा अलग आता है, लाइक आपने 100 टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन एग्जाम में जो आएगा वो पूरा एक न्यू ही क्वेश्चन आएगा, पूरा ब्रांड न्यू क्वेश्चन आता है। तो आप कितना भी मटेरियल्स अपने पास में रख लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी ये चीज पता है कि भाई वो मटेरियल आपके पास में रखा हुआ पूरा वेस्ट है, माने ज्यादा बिल्कुल काम नहीं आता है। हो सकता है आपने कोई फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपने हल्का सा रेफर कर लिया टेबल बुक से या फिर अपने कॉपी से, वो अलग चीज है, बट ये चीज क्या है, अभी ड्यू टू कोरोना वायरस ऐसा हो रहा है, जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है वो घर से हो रहा है, बट लाइक वो किताब होने का नहीं होने का बात बराबर है। आपको आपको एग्जाम में 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है, तो उस 3 घंटों में आप अपना पेपर करोगे ना, आप खाली खोजते रहोगे, तो वही बात है, ठीक है, ओके। एंड ओपन बुक एग्जाम से मेरा यहां पर मतलब था जो आपका टेबल बुक है, बिकॉज आपको वो टेबल बुक क्वाइट यूजफुल रहेगा आपके एग्जाम में। आगे जाके जब थोड़े कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आपको टेबल बुक में दे रखे होंगे, ठीक है, तो वो टेबल बुक से आप बस खाली डायरेक्टली देख के उसको पेस्ट कर सकते हो अपने, लाइक आप उसको देख के लिख सकते हो आपका जो एग्जाम पेपर है, ठीक है। हाउ मस्ट यू स्टडी? सो या सो हाउ मस्ट यू स्टडी में देखना, देर आर 13 पेपर्स विच आर डिवाइडेड इंटू 4 सीरीज। द फर्स्ट स्टेज इज कोर प्रिंसिपल्स, जिसमें आपके 7 पेपर्स हैं, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। ये जो 13 पेपर्स जो है, सबसे पहला आ जाता है कोर प्रिंसिपल्स में। अगर कोई ग्रेजुएशन तक मेरे से पूछता है कि मेरे को कितना पेपर्स क्लियर करना चाहिए, तो ये 7 पेपर आपका ग्रेजुएशन तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट लेवल है उसके भी 1-2 पेपर्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे पहले क्या होता था, रिसोर्सेस कम थे, तो लोग 3-4 पेपर क्लियर करके जॉब में चले जाते थे, बट आज के दिन पे इतना रिसोर्सेस का अवेलेबिलिटी है कि ये जो 6 पेपर है, लाइक जैसे मैं आपको समझाऊं, तो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स जो सीएस कोर्स के पेपर है, इनमें स्टैट्स है विथ आर प्रोग्रामिंग विच इज अ कोडिंग सॉफ्टवेयर, एंड जो एम कोर्स के पेपर है, जैसे CM1 डील्स विद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, CM2 डील्स विद स्टॉक मार्केट्स, ओके, CS2 जिसमें स्टैटिस्टिक्स है एंड जो जनरल इंश्योरेंस वाले फील्ड से डील करता है, CS1 आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स है, लाइक राइट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी टू एकदम पूरा हाई लेवल का स्टैटिस्टिक्स हम लोग CS1 में सीखेंगे, एंड जो भी कुछ हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग को आर में भी अप्लाई करना पड़ता है या फिर हम लोग को एक्सेल में भी अप्लाई करना पड़ता है। CB1 जो पेपर है ये आपका फाइनेंस के ऊपर पेपर है, CB2 जो पेपर है ये आपका इको के ऊपर में पेपर है। तो ये जो 6 पेपर्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हो तो इन 6 पेपर्स को आप ग्रेजुएशन तक क्लियर कर सकते हो। CB3 एक टाइप का ऑनलाइन अवेयरनेस बिजनेस अवेयरनेस मॉड्यूल है जो कि ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो CB3 जनरली हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज CB3 में एज सच कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, इसमें आपको लाइक वो लोग केस स्टडी देंगे एंड आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ये पेपर जो लोग जॉब में चले जाते हैं उस समय देने से बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि इस पेपर में एज सच आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। जैसे CB1 तो क्या, आपको पढ़ के पूरा लिखना है, एग्जाम देना है, तो इस एग्जाम का स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट है। तो ये एग्जाम में आपको एक बिजनेस गेम भी खिलाया जाता है एंड आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है और आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ये सारी चीजें इसमें होती है CB3 में। तो ये जनरली जॉब के बाद में अगर कोई सोचे तब फिर ठीक रहता है, ग्रेजुएशन के समय में आपको पहला ये 6 पेपर्स पे पूरा अच्छे से फोकस करना है, जिनमें आपका CS1 पूरा बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मैंने एकदम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करता है, जो आपका पूरा बेस बनाता है स्टैटिस्टिक्स में और बहुत एक अच्छा लेवल तक स्टैटिस्टिक्स आपको सिखाता है। CS2 CS1 पे बिल्डअप करता है एंड CS कोर्स के सारे पेपर में आपको आर प्रोग्रामिंग का एग्जाम देना पड़ता है। CS2 को हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सब हम लोग जनरल इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। CM1 जो पेपर है वो आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर में है, CM2 जो पेपर है वो आपका स्टॉक मार्केट्स के ऊपर में, एंड CM कोर्स के पेपर में आपको एक्सेल का भी एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। CB1 जैसा कि मैंने आपको बताया ये पेपर हल्का छोटा है, CB2 पेपर हल्का छोटा है कंपेयर टू दीज 4 एग्जामिनेशंस, तो ये दोनों पेपर्स को पढ़ने में हल्का कम टाइम लगता है, ठीक है, ओके।
अब जैसे अगर आप देखोगे, ये तो ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं CM1 एंड CM2 में। अब हम लोग आते हैं CM1 एंड CM2 में, ठीक है। तो CM1 एंड CM2 में अगर आप लोग देखोगे, दो एग्जाम होगा आपका। तो पहला वाला जो एग्जाम होगा वो होगा पेपर ए, जो कि आपका रिटर्न होता है। करेंटली वो घर से हो रहा है, एमएस वर्ड पे हो रहा है, जो कि ओपन बुक एग्जाम है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, ऐसे ज्यादा खुश मत होना कि भाई ओपन बुक है तो किताब से खोल के देख के लिख सकते हैं। कोई फायदा नहीं है, कुछ भी काम में नहीं आता है वो सब, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत देखिए हेल्प मिलता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कोई एग्जाम का स्ट्रेस में कोई एक फॉर्मूला भूल गए तो अलग बात है, बट अगर आप ये सोचेंगे कि आपको पूरा पूरा सम मिल जाएगा, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि सम एकदम पूरा अलग टाइप का आता है, वो आपको दिमाग से ही करना पड़ता है पूरा, ठीक है। ओके, एंड उतना टाइम ऑनेस्टली एग्जाम में रहता भी नहीं है, वरना आपका पेपर छूट जाता है, ठीक है। तो पहला वाला जो है उसका वेटेज है 70%, एंड दूसरा वाला जो जो एक्सेल बेस्ड होता है वो 1 आवर 45 मिनट्स का एग्जाम होता है, उसका वेटेज आपका 30% होता है। तो अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, दोनों पेपर 100-100 नंबर का होता है, मान लो मेरे को दोनों में 80-80 मिला है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा स्कोर का देखना। तो जो पेपर ए में 80 मिला है उसका 70%, तो 8 7 जा 56, मतलब पेपर ए में मेरे को 56 मिला। एंड मान लेते पेपर बी मेरा बहुत अच्छा, एक्सेल का मेरा बहुत अच्छा, मेरे को 90 मिला है, तो 90 का 30% विच इज 27, तो 56 + 27 विल बी माई CM1 स्कोर। इस तरीके से वो कैलकुलेट होता है, एंड दोनों का मिला के आपको पास होना पड़ता है। CS1 एंड CS2 सेम करिकुलम है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे, पहला स्टेज में देर आर 7 पेपर्स, नेक्स्ट स्टेज में देर आर 3 पेपर्स। इन 3 पेपर्स में 2 पेपर्स थोड़े इजी माने जाते हैं, जैसे एक हो गया आपका CP2, जो कि मॉडलिंग है। मॉडलिंग मतलब इसको आपको एक्सेल में देना है, इसमें आपका 2 एग्जाम होता है। CP3 जो है वो है कम्युनिकेशन का पेपर। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपको वो लोग एक क्वेरी देंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोर्टैलिटी हो गया, ठीक है। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आते, नॉर्मल मतलब जो मान लो कंपनी के क्लाइंट्स है जिन्होंने एक्चुअल साइंस नहीं किया है, तो कम्युनिकेशन बेसिकली पेपर आपका चेक करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को कम्युनिकेट कर पा रहे हो इन लेमैन टर्म्स। तो कम्युनिकेशन प्रैक्टिस पेपर का नाम पड़ा। मॉडलिंग प्रैक्टिस, आपको एक्सेल में पूरा मॉडल बनाना पड़ता है, ठीक है। बाय मॉडल आई मीन, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा दुकान का मॉडल मैं आपको समझाता हूँ। मॉडल होता क्या है, मान लो उसका सेल्स हो रहा है, सेल्स से उसका वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो रहा है, मान लो एक यूनिट वो बेचता है 10 रुपए में, और उसका वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपया, मतलब हर एक यूनिट में 5 रुपया का खर्चा है। तो 5 रुपया उसके हाथ में बचा, वो वैसा 100 यूनिट बेचता है, तो 5 × 100 उसका एक फिक्स कॉस्ट है, तो फिर उसको 5 × 100 फिर माइनस करेंगे उसका फिक्स कॉस्ट। इस तरीके से मॉडल होता है। ये मैंने आपको सिंपल से टर्म्स में समझाया कि मॉडल क्या होता है। तो ये जो आपका आता है, ये काफी अच्छा खासा लेवल का मॉडल होता है, जो रियल लाइफ में लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मॉडलिंग प्रैक्टिस एक्सेल में होता है, जिसमें आपके 2 एग्जाम्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगेन द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन द होल करिकुलम, मतलब आउट ऑफ 13 पेपर्स जो पूरा करिकुलम का विलन माना जाता है, दैट इज CP1 एक्चुअल प्रैक्टिस। तो इस पेपर में क्या है, 2 एग्जाम होते हैं, तीनों दोनों आपका 3-3 घंटे का होता है, 3 घंटा 15 मिनट का होता है। अब इसमें क्या होता है, आपको एक चीज बताता हूं मैं। आपने पहले वाले स्टेज में जितना भी सब कुछ पढ़ा है, वो सब का आपको अच्छा खासा एप्लीकेशन करने आता है। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग आपसे फैक्टर्स मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नया इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स को मैं कंसिडर करूंगा ताकि वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो। एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ये वाला पेपर जनरली थोड़ा ज्यादा स्टडी आवर्स मांगता है ऑन एवरेज। बाकी सारे जो पुराने, मैंने जो पहले वाले जो थे, लाइक अगर मैं इसका बात करूं, तो इन सब में अगर आप देखोगे तो रिकमेंडेड स्टडी आवर्स जो होते हैं इन सब में अगर आप देखोगे तो जो रिकमेंडेड हाँ इन सब में अगर आप देखोगे जो रिकमेंडेड स्टडी आवर्स होते हैं, जैसे CS1 में 200 घंटा है, CS2 में आपका 250 घंटा है, ऐसे है। लेकिन CP1 जो है उसमें आपका 400 घंटे का रिकमेंडेड स्टडी आवर्स है। तो हाँ, ऑनेस्टली थोड़ा पेपर डिफिकल्ट है, बट हाँ, आपको रिसोर्सेस, कोचिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज पहले ऐसा होता था कि मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था पेपर को क्लियर करना, बट अभी क्या है, प्रॉपर लाइक ट्रेनिंग एंड ऑल अगर आप लेके करते हो 6 महीना में, तो ऐसा कोई बात नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेज, स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स में क्या है,
देर इज अ लिस्ट ऑफ 9 पेपर जिसमें से आपको एनी टू देना है. एनी टू का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो मैं दूंगा SP5 एंड SP6, बिकॉज SP5 क्या है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एंड SP6 क्या है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. कोई अगर जनरल इंश्योरेंस में काम कर रहा है तो वो कौन सा देगा SP7 एंड SP8. कोई अगर लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहा है तो हो सकता है वो SP2 एंड SP5 दे. तो इस आपको कोई दो देना है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट है स्पेशलिस्ट एडवांस्ड. तो इसमें से आपको 6 पेपर्स दिए हुए हैं और आपको इनमें से कोई एक देना है. नाउ ये सारी जो पेपर्स हैं, तो ये सारे जो पेपर्स हैं इन सब का मेन यूज क्या है समझिएगा. तो ये सब जो पेपर्स आपके हैं, ये सब आप जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, ये सारे पेपर्स उनका पूरा वर्किंग प्रोफाइल से रिलेटेड है. तो आपसे पूरा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछा जाएगा. जो आप काम कर रहे हो बेसिकली वही सब के बेसिस में आपके क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर शैल आई स्टडी द कोर्स. तो यहां पर बहुत सारे लिस्ट ऑफ मैंने इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, बट इंडिया में जो सबसे ज्यादा दो रेनाउड है, और अभी एक और इंडिया में आ रहा है, जैसे IFOA से बहुत सारे लोग करते हैं, लाइक अप्रोक्सीमेटली अभी समझो 70% लोग IFOA से करते हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया जो हमारा इन हाउस है, एंड एक और है जो अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं, बट हाँ धीरे धीरे वो भी पेस ले रहा है, विच इज सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज USA. ओके, SOA नाम है इसका. तो ये सारे इंस्टीट्यूट है जहां से आप लोग सब कर सकते हो. अभी मैं आपको सिर्फ दो इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा, बिकॉज अभी इंडिया में सिर्फ यही दोनों बहुत रेनाउड है, विच इज IFOA जो UK का है. आपको UK नहीं जाना एग्जाम देने के लिए, क्या एग्जाम्स आपके जैसे अभी तो घर से हो रहे हैं, बट लाइक अगर मान लो फिजिकल में शिफ्ट होता है तो हर एक मेजर सिटी में IFOA के सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, जहां से आप जाके अपना एग्जाम दे सकते हो, ठीक है. अब जैसे मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस के पॉइंट्स बना रखे हैं, अब जैसे अगर आप देखोगे, आई एम रियली सॉरी ये हल्का सा थोड़ा सा वैसा हो गया, ठीक है. लेट मी जस्ट, अच्छा ठीक है, ओके. तो जैसे एंट्रेंस का अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग एंट्रेंस का बात करते हैं, तो IFOA में जो फर्स्ट पेपर है, फॉर एग्जांपल CM1 या फिर CS1, तो अगर मान लो किसी को ये कोर्स स्टार्ट करना है तो या तो वो CS1 से स्टार्ट कर सकता है या फिर वो CM1 से स्टार्ट कर सकता है. तो IFOA में कोई एंट्रेंस का अलग से टेस्ट नहीं है, जो पहला पेपर है उसी को आप एज अ नॉन मेंबर एंट्रेंस समझ के दे सकते हो. अगर आपको वो पेपर समझ में आए, कोर्स समझ में आए, तो फिर आप रजिस्टर करके मेंबरशिप लेके आप आगे के एग्जाम्स देना, ठीक है. इंडिया में अगर आपको एग्जाम्स देना तो आपको एक एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसका नाम है ACET, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है. आप जैसे ही ACET क्लियर कर लेते हो फिर आप आगे के पेपर्स दे सकते हो, ठीक है. तो मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया है, जैसे IFOA में मैंने ये जो लिखा है, अब वो मेंबरशिप का क्राइटेरिया हट गया है. जैसे पहले क्या होता था, 85 प्लस अगर आपका मैथ्स में है तो फिर आप मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो, वरना इंस्टीट्यूट आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता था. लेकिन अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप चाहो तो आप अभी भी मेंबरशिप ले सकते हो 12 क्लियर करने के बाद में, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप एडमिशन अभी लो. पहला पेपर एज अ नॉन मेंबर देना इज ऑलवेज बेनिफिशियल. आप पहला पेपर एज अ नॉन मेंबर दीजिए, आप कोर्स को समझिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आपसे ये चीज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एंड देन यू टेक द मेंबरशिप एंड देन यू प्रोसीड फर्दर, ठीक है. लेकिन इंडिया में अगर आपको पेपर्स देने हैं तो आपको ACET क्लियर करना पड़ेगा. रिसेंट में एक नोटिफिकेशन आया है, कल रात में इंडियन इंस्टीट्यूट का एक नोटिफिकेशन आया है कि अगर किसी को एक्चुअरीज करने का मन है और उसका बोर्ड्स का एग्जाम नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए उन्होंने अपना लाइक क्राइटेरिया जो है वो चेंज कर दिया है. आप लोग जून वाला जो एग्जाम हो रहा है ACET का, जिसका डिटेल्स आपको IAI की वेबसाइट में मिल जाएगा, आप लोग वाला जून का ACET का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है. अगर आप लोग को इंडियन इंस्टीट्यूट से परस्यू करना है तो, ठीक है. क्योंकि पहले क्या होता था ना, लोग दोनों इंस्टीट्यूट से परस्यू करते थे क्योंकि म्यूचुअल एग्जम्पशन था. IFOA में कोई पेपर क्लियर हुआ तो उसको IAI में क्लियर मानते थे, एंड IAI में कोई पेपर क्लियर हुआ तो उसको IFOA में क्लियर मानते थे. लेकिन अब वो एग्जम्पशन पॉलिसीज हट गए हैं. नाउ लेट्स कम टू द कॉस्ट. पहले क्या होता था, IAI बहुत चीप था, IFOA एक्सपेंसिव था. लेकिन अभी IAI और IFOA में ज्यादा फर्क नहीं रह गया. जैसे अगर मैं आपको ऑन एवरेज समझाऊं तो IAI में मान लीजिए अगर आपका 100 रुपया लग रहा है तो IFOA में आपको उसका 25% ज्यादा, मतलब करीब करीब आपको 125 रुपए आपको IFOA में स्पेंड करने पड़ेंगे ऑन एवरेज. मैं आपको बता रहा हूं ऑन एवरेज, ठीक है. जैसे एग्जामिनेशन का जो कॉस्ट है, अगर आप IAI में देखोगे तो 14,000-15,000 के आसपास है एक पेपर का. लेकिन अगर आप वही IFOA में देखोगे तो 19,000-20,000 रुपए पड़ता है आपका एक पेपर का. अगर आप मेंबरशिप कॉस्ट देखोगे, मेंबरशिप कॉस्ट, यस ध्रुवी आई विल टेक योर डाउट्स बेटा, अगर आप मेंबरशिप कॉस्ट देखोगे तो आपका वो IFOA में है लगभग 20,000 रुपए, और अगर आप IAI में देखोगे तो लगभग वो है 4,000 रुपए के आसपास, ठीक है. अच्छा, एक होता है आपका एनुअल कॉस्ट. तो अगर आप किसी भी
बॉडी के मेंबर हो, ठीक है, तो आपको एक एनुअल फीस पे करना पड़ता है। जैसे मैं सीए हूं तो मेरे को सीए इंस्टीट्यूट को हर साल 7,000 रुपया पे करना पड़ता है। तो आप अगर आईएफए या फिर आईआई के स्टूडेंट मेंबर बनते हो तो आपको एक एनुअल फीस पे करना पड़ता है। तो उसका जो है, अगर आप देखोगे तो आईएफओ में लगभग लगभग आपका 7,000 रुपया लगता है एंड आईआई में आपका लगभग लगभग 2,500 रुपये के आसपास लगता है, ठीक है। अगर हम लोग पासिंग रेट्स का बात करें कि दोनों इंस्टीट्यूट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आईएफओ का जो पासिंग रेट है वो जनरली 30 से 50% के बीच में कुछ भी रह सकता है। 30 से 50% का मतलब हो गया काफी अच्छा पासिंग रेट है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग पास हो ही जाओगे, बिकॉज 30% 40% पासिंग रेट है, उसमें भी बच्चे फेल होते हैं, बिकॉज सब आपके जैसे ही रहते हैं ना। जो मान लो ऑलरेडी पढ़ने में अच्छा है वही इस कोर्स में आता है, ठीक है। तो अगर आप आईआई का पासिंग रेट देखोगे जो इंडियन इंस्टीट्यूट है, तो उसके लिए मैंने यहां पर लिखा है नो कमेंट्स। नो कमेंट्स मैंने क्यों लिखा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आईआई में पासिंग रिजल्ट 4% भी होते हैं, कभी कभी 10% भी होते हैं, कभी कभी 20% भी होते हैं, कभी कभी 50% भी होते हैं। तो आईआई का जो पासिंग रिजल्ट है वो काफी फ्लक्चुएटिंग है, तो इसलिए मैंने यहां पर नो कमेंट्स लिखा है। द पासिंग रेट्स कैन गो एज लो एज 3% टू एज हाई एज 60%। जैसे CM1 है, जैसे मान लो अगर आपको ये कोर्स स्टार्ट करना है तो CM1 इज द बेस्ट फिट, जिससे आप पेपर स्टार्ट कर सकते हो। तो CM1 का अगर आप आईआई का रिजल्ट देखोगे तो वो लगभग लगभग सिंगल डिजिट में रहता है, लास्ट 2-3 टर्म से वो सिंगल डिजिट में रह रहा है। तो इस तरीके का सीन है। एग्जेम्पशन मैंने आपको बता ही दिया, पहले एग्जेम्पशन पॉलिसी था, लेकिन अगर अभी आपको ये कोर्स को करना है तो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से करिए, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से करिए, या तो आईएफओए से करिए या फिर आईआई से करिए, ठीक है। ओके, एग्जाम्स जो होते हैं अभी दोनों इंस्टीट्यूट्स के अप्रैल और सितंबर में हो रहे हैं। साल में 2 बार एग्जाम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट का भी अप्रैल सितंबर हो गया है और आईएफओए इंस्टीट्यूट का भी अप्रैल सितंबर हो गया, ठीक है। तो दोनों इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल सितंबर में हो गया। जैसे मेंबरशिप वाला को मैं 1 मिनट और लेके आप लोगों को अगर समझाऊं तो, कि मेंबरशिप वाला जैसे बहुत लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा, देखिए स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है। अगर मान लीजिए आपको आईएफओए से करना है तो सबसे पहले आप एक पेपर एज अ नॉन मेंबर देते हो, उसके लिए आपको लगभग लगभग 20,000 रुपये स्पेंड करने पड़ते हैं, आपको एग्जामिनेशन फीस खाली पे करना पड़ता है। अभी आपको इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका मान लीजिए वो पेपर पे कॉन्फिडेंस आ गया, आपने मान लीजिए सितंबर में या फिर अप्रैल में आपने वो एग्जाम दे दिया, उसके बाद में आपको लगता है हाँ मेरे को तो यही कोर्स करना है और मेरे को आईएफओए से ही करना है, तो फिर आप आईएफओए का मेंबरशिप लेते हो, जिसका आपका कॉस्ट लगता है 20,000 रुपया। वो एक वन टाइम कॉस्ट है, वो आपको बार बार पे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको हर साल, जैसे आप आईएफओए के स्टूडेंट मेंबर बन गए, आप अपना एग्जाम्स दीजिए नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम का जो फीस है वो तो लग गई, जो कि लगभग लगभग 20,000 रुपये के आसपास है हर पेपर का। कुछ कुछ जो इजी इजी पेपर्स है उनका 13-13.5 हज़ार भी है, ठीक है। कुछ कुछ जैसे जो डिफिकल्ट पेपर्स है, फॉर एग्जाम्पल CP1, उसका 35,000 भी है। तो मतलब अगर आप फर्स्ट स्टेज का देखोगे तो दो पेपर है CB1 और CB2, जिनका कॉस्ट हल्का कम है, जिनका कॉस्ट हल्का 13,000 के आसपास आता है, एंड जो चार बड़े पेपर्स हैं CM12 CS12, इन सब का जो कॉस्टिंग है वो लगभग लगभग आपका 20,000 रुपये के आसपास आएगा। और अगर आप मेंबर बन जाते हो इंस्टीट्यूट का तो आपका कॉस्टिंग हल्का कम लगता है, दैट इज क्लोज टू अराउंड 18,000 रुपीज। 2,000 रुपये के आसपास का फर्क पड़ता है अगर आप मेंबर बन के एग्जाम देते हो या फिर आप नॉन मेंबर बन के एग्जाम देते हो। जैसे अगर आप CM1 एज अ मेंबर दोगे तो आपको 18,000 रुपये लगेगा, और अगर आप एज अ नॉन मेंबर दोगे तो आपको 20,000 रुपये लगेगा। लेकिन आप नॉन मेंबर की तरह सिर्फ एक ही पेपर दे सकते हो, और आपको अगर आगे के पेपर्स देने हैं तो आपको इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। एक और जो चीज है, जो आपको जो एनुअल रिन्यूअल कॉस्ट है वो आईएफओए में हर साल अक्टूबर को लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने नवंबर में मेंबरशिप लिया, इस साल का नवंबर में आपने मेंबरशिप लिया, तो अगर आप नवंबर में मेंबरशिप लेते हो तो आपको उस समय 20,000 रुपये इंस्टीट्यूट को पे करना पड़ेगा। तो उस 20,000 में आपका 2020 से लेके 2021 का सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है, जो कि 7,000 रुपये है, और जो बैलेंस 13,000 रुपये है वो आपका वन टाइम कॉस्ट है जो आप इंस्टीट्यूट को पे करते हो। अब मान लो आप अगला साल अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर 2021 में आपको 7,000 रुपये पे करना पड़ेगा, दैट इज योर रिन्यूअल कॉस्ट। तो वो आपका चलेगा 2021 अक्टूबर से 2022 अक्टूबर को, फिर आपको 2022 अक्टूबर को 7,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो जो आपका मेंबरशिप कॉस्ट है उसका भी एक डिविजन है, 13,000 एंड 7,000। तो जो 13,000 है वो एक वन टाइम कॉस्ट है, जो आप मेंबरशिप लेते हो उसका कॉस्ट है, एंड उसमें 7,000 रुपया इन एडवांस वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं उस ईयर का, जिस ईयर में आप मेंबरशिप ले रहे हो उस ईयर का मेंबरशिप फी, ठीक
मतलब जो आपका एनुअल फी जो होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज मेंबरशिप लेते हो तो आज आप 20,000 रुपये पे करोगे, तो उस 20,000 में जो 7,000 है वो आपका अक्टूबर 2020 तक वैलिड रहेगा, बिकॉज एवरी ईयर अक्टूबर में रिन्यूअल होता है डिस्पाइट द टाइम व्हेन यू टेक द मेंबरशिप। ओके यस ध्रुवी, यू आस्क ए डॉक्टर। या सो व्हिच इज बेटर, IFOI देखिए अगर मेरे हिसाब से आप लोग चलोगे तो, क्योंकि आप लोग को 13 एग्जाम्स देने हैं, ठीक है, तो मेरा वैसा कोई बायस नहीं है कि मैं IFOI को प्रमोट करूं फिर वैसा कुछ, बट IAI का पासिंग रेट देख के ना हल्का सा डिफिकल्ट लगता है। एंड ऐसा नहीं कि लोगों का IAI से क्लियर नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ से लास्ट 2 टर्म से कंसिक्यूटिवली रैंक 1 आ रहा है CM1 में, दैट इज नॉट द पॉइंट। बट लाइक अगर आपको ऐसा है कि आपको एकदम अच्छे से, मतलब आपका ऐसा कोई बायस नहीं है कि मेरे को इंडियन इंस्टीट्यूट से ही करना है, तो कंफर्टेबल देखिए आपके लिए IFOI ही रहेगा। एंड जो लेवल है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो मार्केट में जो वैल्यू है, जैसे ये लोगों को भी पता है कि IAI थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वैसा कुछ नहीं है कि आपने IAI से किया है तो ही आपको जॉब मिलेगा या फिर अपने IFOI से किया है तो ही आपको जॉब मिलेगा, दोनों का जो लेवल So, है। यस if I do with the IFY, then what is the percentage that I'll get the job in India itself? Or नो दैट इज नॉट अबाउट द परसेंटेज, लाइक like अबाउट जिस फैक्टर में डिपेंड करता है, मैं आपको बता रहा हूँ आपका नॉलेज लेवल कैसा है। अगर आपने IFOI से किया है या फिर आप IAI से किया है, आपको इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे, IFOI आपको मार्क्स बताता है, अभी रिसेंट में IAI ने भी अपना मार्क्स बताना स्टार्ट कर दिया है, तो IFOI में फॉर एग्जाम्पल आपको 90 आया है तो दैट इज अ वेरी प्रिटी गुड स्कोर, तो आपको उसके बेसिस में हो सकता है कि इंटरव्यू का कॉल आए, एंड अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से बोल पाते हो तो देर इज नो प्रॉब्लम, लाइक दोनों का जो वैल्यू है वो एट पार चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप IAI से करो तो आपका वैल्यू ज्यादा है या फिर आप IFOI से कर रहे हो तो आपका वैल्यू कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, सो देयर इज नो मेजर डिफरेंस एक्चुअली. नो नो देर इज नो एज सच मेजर डिफरेंस कि आप कहीं से भी कर रहे हो, द ऑल दैट मैटर्स इज द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप अगर उसको इंटरव्यू में रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन का मैं आपको अगर एकदम हार्श फैक्ट बताऊं तो 70 to 75% आर डूइंग फ्रॉम IFOI एंड देर इज नो एज सच प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग आइदर इन द जॉब और मे बी इन यू टॉक अबाउट करियर प्रोस्पेक्ट बीट एनीथिंग। ओके यस यस आई गेस समवन एल्स हैज So, रीच। यस can I? Yeah. यस So, can you let me know that should I do BCom and then actuarial side by side, or should I directly go in the actuarial field? No, Because I'm really interested in this. you need to have a like undergraduate degree ना, उसके साथ आप कर सकते हो, like undergraduate में आप economics honors कर सकते हो, mathematics honors कर सकते हो, statistics honors कर सकते हो, BCom BBA कुछ भी कर सकते हो, उसके साथ में ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे BCom के संग आप CA कर सकते हो वैसे ही BCom के संग में आप एक्चुअरीज भी कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू. सो आई गेस IFOI एंड IAI का स्ट्रक्चर तो सबको क्लियर है ना, एंड प्लीज डोंट हैव दिस मिथ कि IAI डिफिकल्ट है तो उसका वैल्यू ज्यादा है या फिर IFOI इजी है तो उसका वैल्यू कम है, वैसा कोई बात नहीं है, दोनों का मार्केट में देखने का पर्सपेक्टिव इज ऑलमोस्ट द सेम, वैसा कोई बात नहीं है कि ये डिफिकल्ट है तो उसका वैल्यू ज्यादा बनेगा, वैसा कोई बात नहीं है, बट सीइंग द लॉन्च मैंने थोड़ा लंबा कोर्स है, 13 पेपर्स है जो आपको देने हैं, तो अगर आप IFOI से करते हो तो आपको एक कंफर्ट लेवल रहता है, तो आप एक टाइम बाउंड मैनर में कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, दिस इज द ओनली थिंग। ओके तो अगर आपको एज सच कोई बायस नहीं है या फिर आपको एज सच कोई प्रेशर नहीं है कि आपको IAI से ही करना है तो IFOI मेरे हिसाब से अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप IAI से भी करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग बहुत कंसिस्टेंटली IAI से एग्जाम्स क्लियर करें, तो वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है? ओके सो यस सो टू डिस्कस द जॉब सिनेरियो, लाइक वी हैव कॉल्ड मेघना अग्रवाल, सो शी इज हियर and she has given her last exam this time and she is working currently with Accenture. She has got All India Rank 1 from the Indian Institute in 2 papers and it's such an irony because पहले वो Indian Institute से कर रही थी and उसके company ने उसको बोला है कि तुमको IFOI से बाकी के सारे papers clear करने हैं, so she has shifted from IAI to IFOI, but आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो because अब आप लोगों को exemption policy हट गया है, तो आपको कोई एक इंस्टीट्यूट से ही परस्यू करना है, सो आई विल बी जस्ट चेंजिंग द स्लाइड्स वन बाय वन एंड देन वी कैन डिस्कस विथ मेघना, लाइक व्हाट इज द थिंग दैट हम लोग को अंदर में रखना है कि हम लोग को जॉब एक अच्छा मिले, ठीक है? सो वी वेलकम मेघना,
थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम टुडे. ओके, सो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जॉब लगता कैसे है, ठीक है? तो जॉब अगर आप लोग को चाहिए तो सबसे पहला बात, आज के दिन पे आपका ग्रेजुएशन तक 6 to 7 पेपर्स क्लियर होना चाहिए. उसके बाद में आपको सॉफ्ट स्किल्स पे अपने पूरे काम करने पड़ेंगे. बाय सॉफ्ट स्किल्स आई मीन कि आपको अच्छा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, एंड थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन आपने जो जो पेपर्स क्लियर किए हैं उन सबको आपको अच्छे से रिवाइज करके भी रखना पड़ेगा, बिकॉज इंटरव्यू में वो लोग कुछ भी पूछते हैं, ठीक है? एंड जॉब लगता कैसे है, आप अगर बहुत अच्छे कॉलेज से बिलोंग करते हो तो इन हाउस कैंपस प्लेसमेंट होता है, या फिर आप लोग आउट कैंपस में भी अप्लाई, ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो. द मेजर सोर्स बीइंग अस, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ एलुमनाई स्टूडेंट्स जो लोग हम लोग से सीवीज मांगते हैं, एंड बेस्ड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड कि वो कैसा है, हर एक चीज देखा जाता है, किस तरीके से वो बात करता है, किस तरीके से हर एक चीज के बेसिस में हम लोग सीवीज फॉरवर्ड करते हैं. इंटरव्यू का कॉल दिलाने का काम मेरा है, उसके बाद का सारा प्रोसेस वो आपको अपने हाथ से करना है. फॉर एग्जाम्पल राइट फ्रॉम एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे मेरे पास एक बनाया हुआ है, ये रहा. सो स्टार्टिंग राइट फ्रॉम एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे आपको सबसे पहला बात, ये 4 to 7 वाला चीज हटा दो, 6 पेपर्स इज अ वेरी गुड थिंग जो आप क्लियर कर सकते हो टिल योर ग्रेजुएशन. ओके, हैव अ गुड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक आर प्रोग्रामिंग, एक्सेल, यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू शुड कीप ऑन रिवाइजिंग द कंटेंट दैट यू हैव स्टडीड. आपका कॉलेज में आपने क्या बिजनेस फेस्ट में पार्टिसिपेट किया वो सब भी मैटर करता है. तो आपका सीवी बिल्डिंग इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, यू शुड पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज इन योर कॉलेज, यू शुड ट्राई टू अप्लाई द कंटेंट दैट यू हैव स्टडीड इन रियल वर्ल्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपसे वो लोग इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि इसके इसके बीच का डिफरेंस क्या, एकदम रियल लाइफ क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं. तो आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा आप उतना आंसर कर पाओगे. उसके बाद में यू शुड हैव वेरी गुड परफॉर्मेंस इन योर कॉलेज एग्जाम्स. ऐसा नहीं है कि आप लोग एक्चुअल कर रहे हो तो आपको कॉलेज का मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है. बहुत सारे कंपनीज में फिल्टर लगाया हुआ होता है कि 65% अबव भी हम लोग लेंगे या फिर 70% अबव कोई हम लोग लेंगे, तो वहां पर आपका सीवी दिखेगा ही नहीं. तो एक डिसेंट स्कोर जो मैं मानता हूँ इज समवट 70% इन कॉलेज, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है कॉलेज में मार्क्स मैनेज करना, बट ठीक है. सो यू शुड बी इन टच विद योर इमीडिएट सीनियर्स, दे आर द बेस्ट सोर्स हु कैन गाइड यू प्रॉपरली इन इंटरव्यूज. ओके, तो अगर आप सीनियर्स के संग थोड़ा टच में रहते हो तो उसमें क्या होता है, वो लोग आपको गाइड करते हैं किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है. दो लाइक दो स्टूडेंट्स, दोज विल बी जॉइनिंग अस नाउ, वी हैव 100% प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस. सो टू ऑल द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर ऑलरेडी ग्रेजुएट्स, वील बी गिविंग देम द कंप्लीट ट्रेनिंग राइट स्टार्टिंग फ्रॉम सीवी बिल्डिंग टू पर्सनल इंटरव्यू. बट येस, योर इमीडिएट सीनियर्स आर अ वेरी गुड सोर्स. अगर कंपनी में कोई ओपनिंग आता है तो सीवी रेफर करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? वन शुड प्रैक्टिस LR&DI, लाइक जो एप्टीट्यूड का मैं बात कर रहा था, इस कोर्स में उतना एप्टीट्यूड रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है अपार्ट फ्रॉम ASET का सिलेबस में, बट हर एक कंपनी का जो फर्स्ट स्टेज होता है ना उसमें आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें वो लोग बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, डेटा रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. तो अगर आपका वही टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स. सो यस, जैसे कौन कौन से कंपनीज हैं जो आप लोग को हायर करते हैं, वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज लाइक जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, देयर द मेजर एम्प्लॉयर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी देयर आर सम पेंशन कंपनीज, सम ट्रेडिंग कंपनीज एज वेल, क्योंकि वो लोग को ये लगता है हम लोग का नंबर्स पे पकड़ बहुत अच्छा है, जैसे एक्सेला इज देयर, फ्यूचर्स फर्स्ट इज देयर, सम री इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर लाइक म्यूनिक री इज देयर, सारी इज देयर, सम बिग फाइनेंस फर्म्स लाइक गोल्डमैन, ऑल द बिग फोर्स लाइक EY हैज अ डिविजन, PwC हैज अ डिविजन. ओके, सो दीज ऑल कंपनीज दे ऑल्सो हायर अस. नाउ मेघना विल बी गाइडिंग यू व्हाट ऑल आर द थिंग्स नेसेसरी to like have a good job, and she will be sharing her journey because this time she has given her last exam and like she has done it in a very time bound manner. Okay, so yes Meghna, now you can start. Hello everyone, but Vari sir, am I audible? Yes, you are audible. Yeah, so hello everyone, thank you Patwari sir for inviting me to this webinar. And as Patwari sir said, I have cleared 14 actuarial exams, and I'm awaiting the results for my final exam, which is SA3. So I gave my ASET exam in June 2015. So it's been 6 years with this actuarial journey, and I graduated from St. Xavier's College, Calcutta. And first, I took an internship with Exceedance in Gurgaon.
So after about 2 months, I moved to Bangalore and I joined AIG. Recently, AIG India has been taken over by Accenture. And so I'm currently working with Accenture as an actuarial analyst. And my specific domain is general insurance. So I have 3 years of experience in the general insurance domain. Now, to understand how to secure a job is that, so I know there's a lot of rumors or things going around that that it's very difficult to get a job as a fresher, that there are no actual jobs as a fresher. But I think that's not true, because to be experienced, you need to have a job sometime, right? So yeah, that's not completely true. And I think things that are really necessary for having a job is you need to be very active on LinkedIn, have a good LinkedIn profile, make sure it's complete with all your details and the exams that you have cleared, and it's entirely complete. And then talk to your seniors, talk to the people who are in their fields. And I know not everybody will be willing, but that's the thing. If you message about 10 people, at least somebody will be there to help you out. So talk to people out there, build your network. And if you get a referral via network, that would be the best thing. But even other than that, you can build on your soft skills, as Patwari sir mentioned earlier. And I think technical skills is something which is also very important. Some specific software knowledges such as VBA, SAS, SQL, R programming, these are specifically helpful, because I have seen companies hiring for actuarial roles in which they want any particular VBA expert or SAS expert or things like that. Also, I think as Patwari sir mentioned, 4 to 7 papers is a very good enough range to get a job as a fresher. And you don't have to go overboard. Like, it's not the case that you have to complete like 10, 11 papers to get a job. That's not the case. Because after a point, it's the same to all the recruiters. And what they will see is your soft skills, technical skills, and also they also see the diversity you add to the group. And by diversity, I mean what co-curricular activities you bring to the group, and what's your skill set, and how your personality stands out, how well you're able to tackle pressure and stress in the interview. So those things are equally important. And so when I secured my internship, that was through LinkedIn. I built my network on LinkedIn, and a friend of mine was really helpful to get me a call with the VP of Accidents, and it turned out great. And that was the first actuarial interview I gave, and I was really lucky to be able to secure that. And the internship, even though it was for just 2 months, it was really, really helpful. I mean, I got all the basic terminology idea of insurance, what is premium, what is exposure, how things work, like what's the role of an underwriter, what's the role of a broker. So all the basic insurance industry terms and practices I got to know through my internship. And it has really, really helped me later on in my other full-time role as well. So, also like, do not refrain from anything, try out any opportunity that you get, whether it's life insurance or general insurance or pensions, or whether you're able to secure an internship as compared to a full-time role. Do not refrain from anything. Just grab in whatever opportunity you get. Yes. So now there were a lot of questions. Over to you, Patwari, sir. Yeah, you were asking during the seminar, like, we are open for any kind of questions that you would like to ask. So you can just raise your hand and we'll go one by one. So yes, Padmaraj has a question. You can raise your hands for any questions that you are having. Hello, sir. Hello, sir. Yes. My name is Abdul. Yes. Sir, is it worth going to MSc Actuarial Science after graduation? Is it? Please come again. Is it worth going to MSc Actuarial Science after graduation? Yeah. Where are you planning to go for MSc, like abroad or in India? In India, Christ University. See, the main point is to get the fellowship tag. As you can see what I'm presenting, you need to clear the papers. And I don't think so there is any institute currently in India which will give you exemptions for your higher papers. So I think clearing the papers is the best thing that you can do. Okay, then. Thank you, sir. Yes. If anyone has any more questions, like... Yeah.
Yes, Dhruvi. So actually I want to prepare for CM1 exam, and okay. I'm planning to appear it for in April. Okay. So how should I prepare or what should I do? That like you can message in the WhatsApp, that will take care. But apart from that, like if you have any other questions, then you can ask like. Okay. And if I apply for an Indian Institute, so should I have to give ACET or exam? Yeah, then you need to give ACET in June. Like they have changed the criteria. The recent update by the Institute is now if you're 10 plus 1 pass, then you can appear for your ACET examinations. Then you can go through the ACET route. You can give your examination in the June attempt. No, but if I... Or should I take a membership? Is it compulsory to take a membership of IAI or IFI is also applicable in Indian Institute? No. See, IAI is the Indian Institute and IFI is the UK Institute. Okay. So, first of all, you need to decide from which institute you want to do it. Okay. So if you want to do it from the IFOA Institute, you don't need to do anything. You just need to start with the training. And if you want to do with the IAI Institute, then you need to give ACET. That is the entrance test for IAI Institute. Okay. So for IFOI, do we have to, do undergraduate course or directly? No, we can start. This is a professional course. Okay. The undergraduate degree is something else. That is compulsory, or else you will face a lot of problems in your job. Okay. So after 12, you should join an undergraduate degree. It can be in Eco, Maths, Stat, BCom, anything. Okay. Yeah. And one of the greatest myths that BCom students are not able to clear the course. Meghna is an example. I am an example. So the point is that is not true. Whichever course you feel like in undergraduation, you should take that. Okay. So after undergraduate, can I do side by side actuaries? You can do. You can start right now also with you are appearing for your class 12 exams, right? No, I'm not appearing for it. I'm promoted to class 12 this year. Okay, then you should wait 1 year. Like with graduation, you can do when you're in a first year. Okay. Okay. Yeah. Yes. Yes. One more person raised your hand regarding the query. Does anyone have any doubt regarding jobs or something like that? Or any query? I think we have some questions coming in via the chat box. Yes. Okay. So someone is asking what kind of maths is involved? Yeah. Meghna, can you hear me? What kind of maths is involved? Yeah. So maths is something you definitely need to be good at and be interested at while pursuing actuarial science. And in the initial few levels, mostly the maths that relates to is basic integration, a lot of statistics and general maths. So yeah, stats and calculus, that is something you need to be good at. Okay. So next is, since you have completed so many papers, how did you revise the whole concept for your interview? Yeah, so speaking of my experience, when I had my initial interviews, I had cleared like 7 to 8 papers. And yes, it can be a little overwhelming. Like if you have an interview scheduled in a couple of days and you have to and you're expected to revise all the papers, I think a good thing that you can follow is make sure that there are at least 2-3 papers that you're really good at. Because sometimes the interview asks you to choose what paper you want to be asked. That actually happened to me. So yeah, do have 2-3 papers that you are really good at, probably the papers that you have cleared latest, because that's the one that you'll remember the most. And from the others, just quickly brush up on the overall heads. And obviously they're not going to ask you the technical formula and all. So just make sure that you have the concept at your tips. So you can also revise the summary pages that are there at the end of chapters, or just brush up on your notes very quickly. So I think that's something you can do to revise the other papers. Okay. So one question which Sahil is, I think, UK Institute. No, Sahil, you're confusing. UK body is something different and Indian body is something different. So UK Institute conducts the examinations in India and Indian Institute also conducts the examinations in India. Previously, there was the exemption policy, but now the exemption policies have been removed. So either you can do the course from
totally from the UK body or totally from the Indian body. Okay. So Juhi is having one doubt. How can I do actuary along with CA? Like, what should be the basic course of action? So Meghna, you have also done CS. So you can guide how to manage. Yeah. Yes. So yeah. So when I first started actuarial science, I wasn't very sure about it, since there was not a lot of knowledge or resources available at that time. So I also did the company secretary course to go along with it. And while it can be difficult at times, juggling with all the exams and with college and everything. But I think some things that really helped me is that I always kept things I was never pursuing both the exams at the same time. For instance, if one attempt I've given my CS exam, the next attempt I was focusing on my actuarial exam. So I was never juggling two things at a time, because I didn't want to distract myself from any one course. I wanted to focus equally on both. That's something you can do. Take different attempts for each exam, and also make sure of your career path beforehand, because you don't want to take both the courses and later on drop one, because in that case you may end up wasting some of your time, which really impacts later on. So yeah, make sure you have a plan beforehand, and the best thing is to talk to other people who have cleared both the courses so that they can guide you on how they did it and how much time it took them and what was their plan all along. Also, Juhi, you can contact us in WhatsApp. Like, we have around 15 to 20 students who are under my guidance, and they are doing CA and actuaries both. Like, I have also done both the courses. Like, and actuaries, I'm left with few of the papers, but CA is qualified. So you can have a detailed discussion in WhatsApp for that. Okay, Juhi. Tanvi is asking, what are the promotion prospects of an actuary? Yeah, so while the fresher salary may seem low compared to other professional courses, but you have to understand that in actuarial science field, you are not hired when you have completed the entire course. Rather, you're hired in an intermediate level when you have cleared 4 to 5 papers. So that's a major difference as compared to the other professional courses. And talking about the promotion while the job, so one really good thing about the course is that most of the companies here offer study support, and which includes a lot of benefits. For example, you'll get study leaves for your exam. They will be limited, of course, and you will have to plan those along with your manager so that your work is not hampered. But you get study leaves. You also get the study support, which is reimbursement of the paper and registration. And you also get increments when you clear the paper. In most cases, they are fixed increments, but some companies also offer bonus. That has a cumulative effect, because once you get an increment, your annual increments are added on top of that. So I think even though the starting salary may be a little low, the promotion prospects for an actuary are really high, and you can grow your salary range really quickly if you steadily clear your exams. Okay. So I guess, Sahil, we have answered this question from where can we get internship in India. You should be very active on LinkedIn, as Meghna said. And as I have said that you first should be very thorough with all the technicals and soft skills and few of the softwares. And apart from that, you should be willing to interact with your seniors, immediate seniors. They can also help you. And actually, there are a lot of job postings in our LinkedIn page as well. And there are a few other pages where you can find a lot of regular job postings. So yes, these are the things. And if you're an undergraduate student, then your college will also help you out with the placements. Like, if you're from a very good college, then all the good colleges, they have their own in-house dedicated placement cells. Okay. So Neeja is asking, is it that jobs are concentrated in certain parts of India, or is it available all over India? So yes, the major job hubs for actuarial science are concentrated, particularly, let's say, Gurgaon, Mumbai, Bangalore. But also, having said that, there are companies which hire in the other areas as well. For example, even in Calcutta, Willis Towers has started hiring. So yeah, while you do have companies all over India, the major concentrated areas are Gurgaon, Mumbai, and Bangalore. To add up, Neeja, in this, almost you see
like for any course, if you go, Mumbai is the hub, or Delhi is the hub, or Bangalore right. is the hub. So that is the point. In Calcutta, you have lesser jobs, but definitely, and even the prospects are better if you move out of Calcutta. That is the main part. Heard about people doing non-actuarial roles. What is it all about? Okay, so in case you mean like whether you can venture out into data science or maybe some other related roles like underwriting. So yeah, that is also something that happens here. In fact, I have seen in case of internal job movements, people moving between underwriting and actuarial or between data science and actuarial. So that is something very much doable, because even as an actuarial analyst, I have been working a lot on SAS and SQL, which involve a lot of coding. So it's not like the jobs are all compartmentalized. It's an integration of all the roles. So yeah, you can very much shift to other roles later on, or you can think about moving one now as well. Okay. So like to add to this, like there are a few other non-traditional roles, like you can do the role of data analyst, as Meghna pointed out, you can do trading job, and some finance jobs are also available, like finance companies, Goldman or Dish, or they hire. But that is, you should have a very good network, first of all, because we have seen, like in our college, St. Xavier's Calcutta, there were some finance companies like JP used to come, and there were some actuarial candidates, those who were hired. Okay. So you need to have that good reference part, because generally that reference part is missing if you are not from a very good college. So yes, that is the point. Like even if you are from like good DU colleges, then some are hired in the management consulting role as well. Okay. So yes, like even the company in which Meghna is working, Accenture, like this time from our college, both the candidates, those who were hired in Accenture as a management consultant, they both were doing actuary. So that can be considered as a non-traditional role. Okay. So that is the thing. Is doing BSc actuarial science good, or which UG? See, BSc actuarial science, what I feel is, don't restrict yourself to BSc actuarial science. If you have got very good grades, then I think you should move on to a good college, like a good DU college, or maybe the top 10 colleges in India. And again, there you should look out for which stream are you getting admission in. For example, if you are to take my advice, Eco Honors is the best thing that you can do along with actuaries, and then like Stats Honors. But there are two things. One is the tag of the college, and the other is which stream you are getting. So you should have a balance in both. Like if you're getting in any XYZ college Eco Honors, and you're getting in SRCC BCom, what I feel is you should go for SRCC BCom, because that tag helps you a lot further when you're in your third year in placements and everything. Okay. So that is the thing. Sir, is there any articleship? Like, yes, Sahil, during your college, it is very difficult to grab an internship. But once you are a graduate, at that point of time, there are lots of internship opportunities. And for that, you need to be very, very, very active on LinkedIn. Okay. You should build your network, as we have rightly pointed out. Okay. So that has been answered. The old curriculum had 15 and now there are 13 papers. Sir, 12 both JET is not out as such. So should we prepare for CM1? See, for that, Shivam, like as we have, like I will guide you all that there are a few students, those who have started with CM1 or CS1 as their first paper, and they are waiting for their 12 boards, because 12 ka boards kab hoga, ye abhi hum log ko pata nahi hai, theek hai? To usko le karke agar aap log 2 mahina waste kar dete ho, 3 mahina waste kar dete ho, so that is not a right advice. Because aap log agar dekho, agar aap log daily 2 ghanta actuaries ke liye padhte ho, तो भी लाइक आप लोग 12 के लिए उतना ही पढ़ोगे, और अगर आप लोग नहीं पढ़ते तो भी आप लोग 12 के लिए उतना ही पढ़ोगे. तो स्पेंडिंग 2 आवर्स डेली इज नॉट अ बिग टास्क. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट एंड योर फोकस, देन इट्स नॉट अ रॉन्ग डिसीजन एट ऑल. ओके, सो दैट इज द थिंग. डोंट लाइक अभी अपने आपको एक स्टेक पे मत डालो कि भाई जब तक 12 का बोर्ड नहीं होगा हम कुछ नहीं सोच पा रहे, एंड वो सोचने का चक्कर में तुम लोग कुछ पढ़ भी नहीं रहे. बात वो है, बिकॉज एक चीज को कितना पड़ेगा, बात वो है. तो अगर मान लो तुम लोग कुछ नया पढ़ते हो, हर रोज अगर तुम लोग 2 घंटा स्पेंड करते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो इफ एनीवन हैज, यस ध्रुवी, हाउ मेनी मंथ्स शुड वी स्टडी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द CM1 एग्जाम? 4 मंथ्स इज गुड टाइम टू प्रिपेयर. ओके, सो लाइक इट्स मे एंड इफ शुड आई अटेम्प्ट फॉर सितंबर और शुड आई गो फॉर? आप अभी दे नहीं सकते ना, बिकॉज़ यू आर प्रमोटेड टू 12, यू आर नॉट गिवन 12. ओके, नो एक्चुअली आई जस्ट वांट टू यू नो
get to know if I'm good at it or not. I want to check myself. But this is not the right time. I guess you should wait for 1 year. Like, at least give your 12 exams. Like, abhi ka jo scenario hai, that is something different, okay? Like, they have studied for their 12, they're just waiting for the examination. And since 2 to 3 months, kitna time lagega, 4 mahina, 5 mahina, pata nahi hum logo. So that is something different. But aap 12 complete karo and then like you should start with the course. Abhi nahi. So what's the difference if I start now and then? Like, now I think you should focus on your class 12 exams because it is very important. And class 12 board results are the most important result. Even greater than your actual exams, even greater than your class 10, because class 12 exams are the most important exams. Because even afterwards, if you want to go for an MBA, so class 12 ka result aapko wahan bhi lagega, and har ek time pe lagta hai class 12 ka result. Okay. Yes. From which institute have you done your practice? So I cleared my first 8 papers of CT series from the Indian Institute, and as Patwari sir mentioned, because of my company policy, I later on had to move to the UK Institute. So I'm currently pursuing it from the UK Institute. Okay. So Meghna, there was one question which they were asking is, what is the difference if you pursue from Indian Institute or from the UK Institute? Like, if you can answer this question. So I think in terms of job prospects, which I'm sure everybody is the most concerned about, there is no difference as such. And I have never seen or faced any kind of discrimination between the two institutes. And even within my team and company, there are people coming in from all the institutes, even from the CAS Institute for that matter. So there's absolutely no discrimination in terms of job prospects. And as you know, the curriculum is also very similar for both the institutes. Yeah, the pass percentages may be different and the fee structure may be different, but the curriculum, so the knowledge that you will gain from both the institutes is very similar. Okay. So I guess we have answered almost all the questions, and I will be discussing few more things. And thank you, Meghna. Thank you very much for taking out your time. So I guess you must be having more work. So thank you a lot. No problem. Thank you so much. No. Thank you, everyone. It was really nice interacting with all of you. Thank you. Okay. So yes. So what we were discussing is ki abhi jaise bahut logo mein ek query aa raha hai ki dekho pehla baat aap log ye samajhne mein bolne ka kya try kar raha hu. कि अगर आप लोग का क्लास 12 का एग्जाम इस साल है, मतलब आप लोग देने वाले थे, डेफर हो गया, और अगर अभी आप लोगों को स्टार्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ये चीज को अपने दिमाग में डाल लो कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेली अगर आप लोग एक लाइव क्लास हमारा करते हो, और अगर आप लोग डेली 2 घंटा स्पेंड करते हो, और बाकी पूरा टाइम अगर आप अपने बोर्ड्स में देते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो लोग क्लास 12 में है अभी, लाइक जो लोग अभी जस्ट प्रमोट हुए हैं और वो लोग अपना बोर्ड्स नेक्स्ट ईयर देंगे, तो वो लोग को इस कोर्स का प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट करना है, जब वो लोग का 12 का बोर्ड्स हो जाएगा, एक्सपेक्टिंग कि 12 का बोर्ड्स बिल्कुल टाइम पे हो. एंड जो लोग अभी क्लास 12 में लाइक वो लोग अपने एग्जाम का वेट कर रहे हैं, वो लोग अपना सितंबर अटेम्प्ट को प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं. उसके लिए लाइक यू कैन गेट इन टच विद मी इन व्हाट्सएप. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से यू ऑल इज कि फॉर एग्जाम्पल आपका बोर्ड जैसे सपोज जुलाई तक खत्म हो जाता है. So like for all the class 12 students, we are having a separate batch. And for example, आपका exam का notice आता है June mid में. तो आपका exam June mid में जैसे ही notice आता है, तो June mid से लेके जब तक आपका exam खत्म नहीं होता है, तब तक के लिए आपका batch halt पे रहेगा पूरा. And July end से फिर we'll start the preparation. And we need to check whether कि आपका अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. In case अगर मान लो आपका September attempt के लिए तैयारी हल्का कम होता है, तो आपको सितंबर अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर नहीं करवाएंगे, आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ही रजिस्टर करवाएंगे. लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने में देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज़ देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द सेकंड वेव, थर्ड वेव, व्हाटएवर. तो प्लीज अपना पढ़ाई को मत रुकिएगा आप लोग, दैट इज माय एडवाइस टू यू ऑल. ओके, एंड जैसा कि मेघना ने पॉइंट आउट किया कि IFO और IIM में एसेस जॉब वाइज देयर इज नो डिफरेंस, बस खाली ये एक डिफरेंस है कि IIM हल्का सा चीप है एंड IFO हल्का सा एक्सपेंसिव है. जैसे अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट में 100 रुपया खर्चा करते हो, तो आपको IFO में 125 रुपए खर्चा करना पड़ेगा. ठीक है, एंड द पासिंग रेट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स आर क्वाइट लो कंपेयर्ड टू IFO. ओके, सो यस, नाउ द लास्ट थिंग इज, व्हाट इज द वे टू बिकम एन एक्चुअरी. सो इन टोटल देर आर 13 एग्जाम्स. अगर आप लोग पहला दस पेपर क्लियर कर लेते हो, मतलब पहला 2 स्टेज अलॉन्ग विद 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो आप लोग को एसोसिएटशिप का टैग मिलेगा. ठीक है, एंड अगर आप लोग पूरा 13 पेपर्स क्लियर करते हो अलॉन्ग विथ 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो आप लोग को फेलोशिप का टैग मिलेगा.
So these two are the types of memberships which you will get. Okay, एक होता है आपका associateship, एक होता है आपका fellowship. तो अगर आप 13 papers करते हो 3 साल का work experience के साथ में तो आपको मिलेगा fellowship. और अगर आप 10 years का अगर आप 10 papers clear करते हो with 1 year of work experience, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो associateship में मैंने लिखा है 1 year PPD, पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लाइक वो वर्क एक्सपीरियंस ही होता है. उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सबमिट करने पड़ते हैं. ठीक है, तो 10 पेपर्स 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एसोसिएटशिप एंड 13 पेपर्स विथ लाइक 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज योर फेलोशिप. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर दैट आई हैव डिस्कस्ड एंड आई गेस आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. एंड अगर किसी को और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरी है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. माई व्हाट्सएप नंबर आई एम लीविंग इन द चैट बॉक्स. Okay, so you all can contact me in this number. Okay, so I guess I have made, since there are fewer companies hiring actuaries than those hiring CAs, doesn't the job prospect or scope for actuary get? See Tanvi, the point is, if you see how many persons are appearing for actuarial exams and how many persons are appearing for CA exams, that is totally like, dono ke jo koi comparison nahi hai. Agar aap yahan par dekhte ho to hazaron mein log dete hain. और अगर आप सीए में देखते हो तो लाखों में लोग देते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस. तो कंपटीशन दोनों जगह पे है. एंड लिमिटेड वर्ड मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग लिमिटेड वर्ड यूज करो, बिकॉज अभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे इसमें प्रोस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे और लोग आ रहे हैं. ठीक है, तो वो चीज नहीं है. सो आप अगर वो देख रहे हो वहां पर कंपनी ज्यादा है तो वहां पर लाखों में लोग दे रहे एग्जाम, सो वो भी तो आप देखो ना, वो चीज है. कार्तिक है सर, अकॉर्डिंग टू यू हाउ मेनी मंथ्स वुड बी रिक्वायर्ड और इनफ टू प्रिपेयर फॉर CS2? सो कार्तिक फॉर दिस प्लीज मैसेज मी इन व्हाट्सएप, आई विल जस्ट गाइड यू विद दैट. सर दिस टाइम देयर विल बी एंट्रेंसेस इन कॉलेजेस, आई एक्चुअली आई एम क्वाइट अनअवेयर अबाउट दिस थिंग. सो अभी देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो किस तरीके से वो लोग कंडक्ट करेंगे इसके बारे में मेरे को उतना आइडिया नहीं है. विच एग्जाम इज द बेस्ट टू गिव अभिषेक, दैट वी कैन डिस्कस इन व्हाट्सएप. आई गेस दैट्स All from my end. अगर और कोई डाउट है तो मैं एक बार देख लेता हूँ. स्नेहल, as I have mentioned, अगर आप इस साल बोर्ड्स दे रहे हैं और आपका अभी तक नोटिस नहीं आया है तो अगर आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ओके. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. आई गेस इट वॉज रियली नाइस डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स एंड यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी व्हाट्सएप अगर आप लोग और कोई भी डाउट है तो. थैंक यू ऑल ऑफ यू. एक्सक्यूज मी, यस, Can I get this recording if you have recorded this? We are really sorry, this recording won't be available, but like if you have any more questions you can ask me in WhatsApp. No, actually I want to rewatch this so that I can get myself a bit clearer more. Okay, just message me in WhatsApp, like I will clarify all your doubts. Okay, thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you.